हेलो स्टूडेंट्स दिस इज प्राची वेलकम टू आवर चैनल आज हम करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर फिफ्थ दैट इज कॉन्टीन्यूटी एंड डिफ्रेंशियबिलिटी स्टार्ट करने वाले हैं ये है इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो इसी के अंदर हम एग्जाम्पल वन टू ट्वेंटी कवर करेंगे अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम्पल देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे दी गई है वहाँ पर जाके क्लिक करेंगे तो आपका एग्जाम्पल वहीं से स्टार्ट हो जाएगा ऑल्सो यहाँ तक कि हमने जितने भी चैप्टर्स कवर कर लिए हैं उन सबका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप जाके फिर इसको थ्रू कर सकते हैं तो आज हम बात करेंगे अबाउट कॉन्टीन्यूटी तो डिफ्रेंशियबिलिटी जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में आती है इसकी इंट्रोडक्शन में आपकी कॉन्टीन्यूटी आती है तो एज नेम इंडिकेट्स कोई चीज़ कॉन्टी कॉन्टीन्यू है ठीक है कॉन्टीन्यू है कॉन्टिन्यूस है तो उसे हम बोलेंगे कि वो कॉन्टीन्यूटी में है ठीक है जैसे कि अगर मैं कोई भी फंक्शन की बात करती हूँ जैसे कि मान लो कोई भी एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स मान लो कोई फंक्शन है साइन एक्स ठीक है अगर हम साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो साइन में आपने फिजिक्स में भी देखा होगा कि साइन का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का आता है है ना तो ये क्या है एक कॉन्टिन्यूज है मुझे क्या हुआ हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी राइट सिमिलरली अगर मैं ऐसे ही एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाती हूँ ठीक है एक्स स्क्वायर यानी कि इस फंक्शन को हम वाई लिख सकते हैं वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसका अगर मैं टेबल बनाती हूँ ठीक है इसका टेबल बनाओ यहाँ एक्स यहाँ पे वाई ठीक है तो एक्स को अगर मैं वन पुट करती हूँ वाई यानी कि एक्स स्क्वायर वन आ गया ठीक है फिर अगर एक्स को मैं टू पुट करती हूँ तो वाई कितना आ जाता है फोर आ जाता है ऐसे ही एक्स को मैं थ्री पुट करती हूँ तो वाई कितना आ जाता है नाइन uh, आ जाता है ठीक है इस तरीके से चलता रहेगा चलता रहेगा ऐसे ही नेगेटिव में भी चलता रहेगा ठीक है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री अगर इस फंक्शन का मैं ग्राफ बनाती हूँ तो मुझे ग्राफ मिलता है इस तरीके का पैराबोला ठीक है तो इस पैराबोला को भी ड्रॉ करने के लिए आगे ना ऊपर जाता है और ऊपर कंटिन्यूटी में चलता रहता चलता रहता है ठीक है इस पैराबोला को भी ड्रॉ करने के लिए मुझे पेन उठा को उठाने की जरूरत नहीं पड़ी है ठीक है अब ये तो होती है कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होती है अगर मान लो इसी फंक्शन के अंदर इसी ग्राफ में कुछ ऐसा हो जाए मान लो ये ऐसे है आगे जाते हुए कुछ ऐसे ब्रेक सा हो गया फिर ऐसे आगे ऐसे जा रहे हैं तो इसके अंदर क्या हो गया एक तरीके से ब्रेक लग गई तो यानी कि वो फंक्शन वहां पे डिसकॉन्टिन्यूज हो गया ठीक है डिसकॉन्टीन्यूज हो गया ब्रेक लग गई अब इस चीज़ को अब हर एक फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं हम हर एक फंक्शन को ऐसे ग्राफ बना बना के चेक नहीं कर सकते तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे कैसे हम चेक करेंगे कि फंक्शन जो है हमारा कॉन्टीन्यूज है या फिर नहीं है कॉन्टीन्यूस तो ऐसे एक तरीके का डिसकॉन्टीन्यूस का भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे कि हमने कॉन्टीन्यूस का ये एग्ज़ाम्पल ले लिया ये एग्ज़ाम्पल ले लिया ठीक है एक डिसकॉन्टीन्यूस का भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मान लो कोई एफ एक्स फंक्शन आपको कुछ इस तरीके का दिया हुआ है कि वन आएगा सॉल्व करके अगर जो एक्स है ठीक है इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो है और टू आएगा अगर जो एक्स है वो इक्वल टू ज़ीरो है ठीक है तो अब इस चीज़ को अगर हम ड्रा करते हैं इस चीज़ को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो कैसे बनेगा क्या बनेगा ग्राफ क्या बनेगा अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो देखो तो अगर x जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है यानी कि यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पे छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यू यहाँ पे भी आ जाए कोई वैल्यू यहाँ पे आ जाए एक्स की वैल्यू तो एफ ऑफ एक्स यानी कि जो वाई है वाई की वैल्यू क्या आएगी वन यानी कि ये वैल्यू आएगी यहाँ पे ठीक है मान लो यहाँ तो पे वन है यहाँ पे मान लो टू है ठीक है तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पर नहीं आएगी तो यानी कि हम उस चीज को यहाँ पे हॉल दे देंगे एक होल क्रिएट कर दिया कि यहां पर तो एक्स जीरो हो गया ना ठीक है ये पॉइंट जो हो हो गया गया वो गया, जीरो वो हमें नहीं 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 चाहिए क्योंकि x x है है जब तब वो वन है ठीक है तो ये हो गया इस तरीके से यहाँ पे भी जा सकता है कंटिन्यूटी में आगे इधर भी जा सकती है क्योंकि यहां पे भी एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है जीरो पॉइंट वन भी हो सकती है ऐसे ही ये यहां पर भी जा सकता है इस तरफ भी जा सकता है ठीक है माइनस में भी हो सकती है बस एक्स इज इक्वल टू तो जीरो नहीं होगी अब जैसे ही एक्स इज इक्वल टू तो ज़ीरो हुआ तो ये हमने फिल कर दिया तो ये हो जाएगा आपके पास जीरो कॉमन टू ये आ गया आपके पास कि जब एक्स जीरो था तो वाई यानी कि जो फंक्शन था वो टू आ गया लेकिन जब एक्स जीरो नहीं था तब ये थी तो देखो ब्रेक हो गया ना फंक्शन मेरे को इसको बनाने के लिए और इसको बनाने के लिए दोनों को बनाने के लिए पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी तो दिस फंक्शन इज डिसकिन्यूअस ठीक है तो इस टाइप के फंक्शंस क्या होते हैं डिसकॉन्टिन्यूस होते हैं क्लियर है ये बात अब हम हर एक फंक्शन का ग्राफ तो बना के चेक नहीं करेंगे ना जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी आपको फंक्शन दे दिया गया उसका ग्राफ तो बना के चेक नहीं करेंगे कहाँ हमारा पेन उठ रहा है कहाँ हमारा पेन नहीं उठ रहा पेन उठ रहा है तो डिसकन्टीन्यूस हो गया या नॉट कंटीन्यूस हो गया अगर पेन नहीं उठ रहा तो वो कंटीन्यूस हो गया तो ये तो हम हर जगह पर ग्राफ नहीं बना सकते तो उसके लिए हमारे पास एक सॉल्व करने का मैथड होता है वो क्या होता है एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं जैसे कि मान लो कोई एक एग्जाम्पल आपको दे दिया कि कोई भी एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव है ठीक है इसको आपने चेक करना है एट एक्स इज इक्ल टू वन पे चेक करना है ठीक है मान लो एट एक्स इज इक्वल टू वन पे चेक करना है कि क्या ये कंटिन्यूस है तो इसके लिए हमारे पास करने का क्या मैथड होता है हम चेक करते हैं कि अगर मैं एफ ऑफ एक्स ठीक है मान लो हमें ये दे रखा है एक्स इज इक्वल टू सी दे रखा है सी मान लो सम कॉन्स्टेंट है ठीक है तो मैं एफ ऑफ एक्स की जगह पे ना मैं एफ ऑफ सी पुट कर देखूंगी ठीक है एफ ऑफ सी फाइंड करूंगी एफ ऑफ एक्स तो हमें दे ही रखा है उसकी जगह पे मैं सी पुट करके चेक करूंगी और उसके बाद मैं चेक करूंगी उसकी लिमिट ठीक है फिर मैं लिमिट चेक करूंगी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एंड एफ ऑफ सी ठीक है ये चेक करूंगी अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं ठीक है अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं देन मैं यहाँ आएगा ठीक है अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं देन मैं कहूंगी कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है नहीं समझ आया कोई बात नहीं पहले समझ लो कैसे करेंगे हम सॉल्व तो देखो सबसे पहली बात मैंने मैंने क्या चेक करना है मुझे पहले एफ ऑफ एक्स की जगह पे ये पुट करना सी यानी कि यहाँ पे वन तो एफ ऑफ वन पुट कर दो यहाँ पे तो ये हो गया वन प्लस फाइव तो एफ ऑफ वन आ गया मेरे पास सिक्स ठीक है अब मुझे लिमिट लगा के चेक करनी है देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अब यहाँ पे वन हम पुट करेंगे ठीक है एक्स की जगह पे यहाँ पे वन पुट करना है तो वन प्लस फाइव ये भी कितना आ गया सिक्स तो हमने देखा एफ ऑफ वन इक्वल आ गया लिमिट x अप्रोच इज़ वन एफ ऑफ एक्स के ठीक है ये इक्वल आने के बाद तो हम कह सकते हैं दिस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस ठीक है अब लिमिट क्या होती है अब आराम से बैठ के सुन लिया आपने लिमिट लगाएंगे लिमिट लगाएंगे लिमिट क्या होती है हमने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में भी पढ़ा था लिमिट के बारे में है ना फिर हमने लेफ्ट एंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बारे में भी पढ़ा था हमने लिमिट क्या होती है याद करिए लिमिट का मतलब ये होता है जैसे कि आ, जैसे कि यहाँ पर ये इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यहाँ हम बोल देते हैं कि एक्स अप्रोचेस टू वन ठीक है यानी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन इसको हम बोलते हैं या तो टेंड्स टू टेंड्स टू वन या हम बोलते हैं अप्रोचेस टू वन अप्रोचेस टू ठीक है अब इनका मतलब ये होता है कि इसके अंदर आप जो भी वैल्यू पुट करोगे वो वन के नियर है वन नहीं है ठीक है वन के नियर है वन नहीं है जैसे कि यहा, यहाँ पे मान लो ये एक नंबर लाइन है ये हो गया जीरो वन ये हो गया टू ठीक है तो आप कहाँ की वैल्यू पुट कर सकते हो कौन सी लिमिट हो सकती है यहां तक की लिमिट हो सकती है ठीक है यहां से भी आप वैल्यू पुट कर सकते हो यहां तक की लिमिट हो सकती है यहाँ की भी वैल्यू पुट कर सकते हो यानी कि इससे पहली वाली क्या होगी जीरो पॉइंट नाइन 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 जितनी मर्जी ले जाओ वो पुट कर सकते हो बट इट इज नॉट इक्वल टू वन इस approaches टू का मतलब होता है कि वन नहीं है ठीक है वन नहीं है आप ये भी वैल्यू पुट कर सकते हो सिमिलरली यहाँ का मतलब है कि वन पॉइंट ज़ीरो जीरो जीरो ज़ीरो 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 वन ठीक है जस्ट बड़ा नंबर हो गया बट वन नहीं है ठीक है तो इसका मतलब होता है टेंड्स टू या अप्रोचेस टू हम वहाँ पर जा रहे हैं बट वो जगह नहीं है क्लियर है ये बात तो ये होता है लिमिट का मतलब तो अब अगर आप यहाँ पर सोच रहे होगे कि मैंने अभी आपको लिमिट का मतलब बताया कि लेफ़्ट वाली जो लिमिट है मतलब कि यहाँ से अगर हम बात करें तो ये भी अप्रोचेस टू होता है और ये भी अप्रोचेस टू होता है देन वाई आर वी पुटिंग वन हीयर है ना लिमिट लगा के भी हम वन क्यों पुट करें लिमिट का तो मतलब मैंने आपको अभी बताया कि टेंट्स टू है अप्रोचेस टू है बट नॉट वन है तो वन हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेटली वन है यानी कि अगर मैं यहाँ पर ये भी वैल्यू पुट करती हूँ ठीक है कि एफ ऑफ एक्स लिमिट जो है x अप्रोचेस टू वन और अगर मैं यहाँ पर लिमिट ये भी पुट कर देती हूँ जैसे जीरो पॉइंट नाइन 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 प्लस फाइव तो क्या हो जाएगा फाइव पॉइंट नाइन 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 विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू सिक्स बात तो वही है ठीक है सेम बात आ रही है ना जिसकी वजह से हम इसको क्या करते हैं अप्रॉक्सीमेटली वही पुट कर देते हैं ठीक है सेम चीज अगर मैं यहाँ पे इसको आपको ग्राफ से एक्सप्लेन करती हूं तो ग्राफ में देखो क्या होगा कि सेम चीज अगर हम यहाँ पे बना रहे हैं ठीक है जैसे कि ये फंक्शन था एक्स प्लस फाइव है ठीक है तो हम वन से स्टार्ट कर रहे हैं इसको ठीक है कि ये वन पे कंटिन्यूस है या नहीं है तो यहाँ पे क्या आ गया सिक्स आ गया एक तरीके से तो ये है आपके पास मान लो वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है यहाँ वन टू थ्री फोर फाइव इस तरीके से है तो ये एफ ऑफ एक्स क्या होता है वाई होता है एक तरीके से है ना तो एक्स प्लस फाइव हो गया ठीक तो ये हो गया मान लो यहाँ पे है ये फंक्शन ठीक तो ये आ जाएगा इस तरीके से इसके अंदर कोई भी आप वैल्यू पुट करते रहेंगे तो ये फंक्शन आपका क्या रहेगा कंटिन्यूस रहेगा तो यहाँ से आपकी स्ट्रेट लाइन जाती रहेगी सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन जाती रहेगी इस तरीके से आप चाहे फिर इसको डिफरेंट डिफरेंट लिमिट्स पे पुट करते रहेंगे डिफरेंट लिमिट्स पर और इसके पीछे के लिए भी ये तो यहाँ पे टू आ गया यहाँ पे अगर मैं वन की बात करती हूँ ठीक है मान लो ये जीरो है ये वन है तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनती रहती है बनती रहती है ये ये स्ट्रेट लाइन बनती रहेगी बनती रहेगी ठीक तो ये तो हो गया एक तरीके से कोई फंक्शन मान लो इसी कोई ड्रॉ करते करते ठीक है ड्रॉ करते करते कोई एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पे ये फंक्शन ऐसे हो जाता है कि मतलब कि यहाँ से टूट जाता है और ये फंक्शन इस तरीके से शुरू हो जाता है तो जहाँ पर ये टूट गया तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि ये क्या होता है डिसकन्टीस हो जाता है ठीक है तो अब फंक्शन को हर जगह पर कंटिन्यूज और डिसकन्टीन्यूस दिखाते दिखाते हम ग्राफ तो बनाने से उससे ईजी तो हमें कैलकुलेशंस लगती हैं ठीक है तो हम क्या कहेंगे जब लेफ्ट एंड जब ये लिमिट्स का वैल्यू सेम नहीं आएगी ना तो तब हम कहेंगे कि वो क्या है डिसकन्टीन्यूस है और जब सेम आएगी तो हम कहेंगे कंटिन्यूस है राइट right? तो ये कैलकुलेशन ज़्यादा इजी रहते हैं तो इसको आप और अच्छे से समझ पाएंगे जैसे हम आगे करेंगे तो जो मैंने आपको ये समझाया चलो लिमिट तो ये हमने रिकॉल की है ये वैल्यू जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ठीक है लिमिट का मतलब अब जैसे मैंने आपको कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन बताई है ठीक है अब इस कॉन्टीन्यूअस फंक्शन की डेफिनी इस जो हमने समझा है इसी को अगर हम डेफिनेशन में फ्रेज करते हैं तो क्या लिखेंगे हम तो हम इसको डिफाइन करेंगे कि एक फंक्शन कॉन्टीन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू सी यानी कि किसी भी एक कॉन्स्टेंट पॉइंट पर ठीक है अगर फंक्शन जो है उसको हम डिफाइन करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू सी और उसकी अगर वैल्यू आ जाती है सी पर किसके इक्वल लिमिट लगा के उसके इक्वल आ जाती है तो वो क्या है कॉन्टीन्यूअस है एफ कॉन्टिन्यूस नहीं है ठीक है क्यों कॉन्टिन्यूस नहीं है जब इनकी वैल्यू सेम नहीं आएगी तो वो कॉन्टिन्यूस नहीं है तो उसे हम बोलेंगे वो डिसकॉन्टिन्यूस है एट सी और सी को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन ठीक है अगेन इसका फिर से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अगेन जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कुछ भी ले लो यहाँ पर मान लो हम यहाँ पर ले लेते हैं एक्स प्लस ले लेते हैं इसको आपने चेक करना है एट पे ठीक है तो करो क्या होगा सबसे पहले तो हमने ये दे रखा है तो पहले तो हम इसकी एक्स इजिकल टू सी पे चेक करेंगे तो एक्स की जगह पे हम टू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा टू प्लस टू ये हो गया फोर ये तो पहला पॉइंट हो गया अब हमने क्या लगाना है लिमिट लगा के चेक करना है तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अब इसकी जगह पे हमें टू पुट करनी है तो टू प्लस टू ये भी कितना आ गया फोर दोनों सेम आ गए तो दैट इम्प्लाइज एफ ऑफ टू इक्वल आ गया लिमिट एक्स अप्रोच टू टू एफ ऑफ एक्स के तो यानी कि ये क्या हो गया कॉन्टिन्यूस हो गया अब इस डेफिनेशन को दोबारा से देखो कि एक फंक्शन कॉन्टीन्यूस एंड इस पे अगर उसकी वैल्यू एक्स इज इक्वल टू सी पर ये रहेगी एक्स इज इक्वल टू सी पे इक्वल आ जाती है लिमिट ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी पर आ गया ना एक्स इज इक्वल टू सी पर तो क्या है वो कॉन्टिन्यूस है तो ये दोनों की से इक्वल आ गई तो ये कॉन्टिन्यूस है ये और आपको अच्छे से समझ में आएगा जब हम इसके साथ के एग्जाम्पल्स करते हैं तो स्टार्ट करते हैं विद एग्जाम्पल फर्स्ट तो एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कह रहा है चेक द कॉन्टीटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री एट एक्स इज इक्वल टू वन तो एट एक्स इज इक्वल टू वन पे चेक करना है तो पहले हम क्या करेंगे हम एक्स की जगह पे वन कर देंगे ठीक है वन पुट कर दो ये हो गया टू वन प्लस थ्री तो टू प्लस थ्री ये हो गया फाइव अब लिमिट लगा के चेक करेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अब फिर से वन पुट करेंगे ठीक है तो ये हो जाएगा आपके पास फिर से टू प्लस थ्री ये आ गया आपके पास फाइव ठीक है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमने एफ ऑफ वन पुट करा था वो किसकी इक्वल आया है वो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू वन एफ ऑफ एक्स के इक्वल आया है ठीक है दोनों फाइव आए हैं ठीक है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इज इक्वल टू दोनों फाइव आए हैं तो वी कैन राइट हैंड्स हैंड्स एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू वन वेरी सिंपल ठीक है अब हर एक का हमें ग्राफ बना के चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना समझ आ रही है तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे सेकेंड फंक्शन में क्या है एग्जामिन वेदर द फंक्शन दिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो अब इस पर भी हमने वैसे ही चेक करना है ठीक है कैसे करेंगे पहले एफ ऑफ एक्स यानी कि यहाँ पे हम जीरो पुट करके देखेंगे तो ये हो जाएगा जीरो का स्क्र ये हो गया जीरो अब हम लिमिट लगा के चेक करेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो क्या एक्सक्वायर फिर से हम एक्स को जीरो पुट कर देंगे दोनों इक्वल आ गए फिर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा एफ ऑफ जीरो इक्वल आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स करो दोनों की वैल्यू क्या आई है जीरो आई है तो वी कैन राइट हैंफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो ठीक है ऐसे ही हम करते हैं अब एग्जाम्पल थर्ड तो अब ये थर्ड एग्जाम्पल है थर्ड एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है क्या कह रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बायक्शन मॉड एक्स एड एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो तो अभी तक हमने दो एग्जाम्पल किए दोनों में क्या हमने किया पुट करी वैल्यू करी पुट हमने और लिमिट वाली चेक करी और हो गया डन हो गया बट यहाँ पे मॉड वाला फंक्शन है तो मॉड वाले फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं पहले तो मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ मॉड वाले फंक्शन को हम इस तरीके से ब्रेक करके लिखते हैं हम लिखते हैं कि ये मॉड एक्स आपका आता है माइनस एक्स इफ़ एक्स इज लेस देन ज़ीरो और मॉड एक्स आपका आता है प्लस एक्स इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन zero अब इसका क्या मतलब होता है देखो हमें अभी तक पता है कि मान लो अगर मैं टू मॉड में पुट करती हूँ तो मुझे टू मिलते हैं माइनस टू मॉड में पुट करती हूँ ये भी मुझे टू मिलता है ठीक है ये तो हमें पता है ये नॉलेज वी नो दैट इसी नॉलेज को हमने जर्नलाइज फॉर्म में इस तरीके से लिखा है कैसे लिखें देखो मॉड एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो इसको ध्यान से समझो लेस देन जीरो का मतलब क्या है कि कोई भी वैल्यू अगर आप इसके अंदर नेगेटिव की पुट करते हो जैसे कि माइनस टू की बात करते हो मैं लेट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टू ठीक है माइनस टू डालो इसके अंदर माइनस टू तो बाहर क्या आएगा माइनस एक्स तो माइनस और x क्या था आपके पास माइनस टू तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस टू तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और देखो मोड x इज इक्ल्स टू प्लस एक्स अगर x जो है वो आपका ग्रेटर देन जीरो है ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या कि कि आप यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू कोई पुट करो तो लेट x इज इक्वल्स टू मान लो यहाँ फाइव मान लो तो यहाँ पे अगर आप फाइव पुट करोगे तो बाहर भी तो प्लस फाइव ही आएगा ठीक अगर आप माइनस फाइव पुट करोगे तो बाहर क्या आना चाहिए माइनस एक्स माइनस और एक्स क्या माना है आपने माइनस का फाइव तो माइनस का फाइव तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस फाइव तो इसी चीज को हम जर्नलाइज फॉर्म में इस फॉर्म में लिख लेते हैं ठीक है इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं बाकी मतलब तो हमें पता ही होता है ठीक और यहाँ पे एक और बात है पहले तो हमने मॉडल फंक्शन समझ लिया कि इस तरीके से हम लिखते हैं दूसरी बात यहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है है ना ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है तो यहाँ फंक्शन ब्रेक हो रहा है आपका यानी कि दो फंक्शन है जीरो के ऊपर दो फंक्शन है तो यहाँ पे हम लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाला अप्रोच भी यूज़ करेंगे कैसे यूज़ करेंगे लेट अस स्टार्ट कैसे करना है ये एग्जांपल अब यहाँ पर देखो अभी तक हमने दो एग्जांपल करे हैं उसके अंदर हमें एक ही फंक्शन दिया हुआ था है ना तो हमने क्या किया हमने सिर्फ ये चेक करा ऑफ को हमने इसको और इसको लिमिट लगा के और एक्चुअल में फंक्शन में पुट करके चेक कर लिया इक्वल आ रहा है तो कंटिन्यूस है क्योंकि एक फंक्शन था अब यही फंक्शन दो में ब्रेक हो गया जब ऐसा फंक्शन दो में ब्रेक हो जाता है ठीक है तो हम वहां पे क्या करते हैं देखो वहां हम यूज करते हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट ठीक है अब इसका मतलब क्या है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है तो पहले तो हम एफ ऑफ सी ही पुट करके चेक करेंगे है ना और फिर हम चेक करा करते थे क्या लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स अभी तक हम ये चेक कर रहे थे ना कि ये दोनों इक्वल हैं तो कंटिन्यूस हैं अब ये फंक्शन आपका दो में टूट गया है ना फर्दर दो में टूट गया तो ये तो हम चेक करेंगे ही करेंगे अब इस फंक्शन को हम ब्रेक कर देंगे दो पार्ट्स में लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट करके ठीक है कैसे इसके लिए हम लगाएंगे लिमिट लेफ्ट हैंड के लिए हो जाएगी सी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स और यहाँ के लिए हो जाएगी लिमिट सी एक्स एक्स टू सी पॉजिटिव एफ ऑफ मतलब क्या है इसका चाहे जीरो की यहाँ पे जैसे जीरो की बात हो रही है है ना तो अगर मैं इस पे ग्राफ पे जीरो बनाती हूँ ठीक है तो जीरो तो यहाँ से कौन सी लिमिट अप्रोच कर रही है और यहाँ से कौन से लिमिट अप्रोच कर रही है तो यहाँ के लिए हो जाएगा नेगेटिव लिमिट्स और यहाँ के लिए हो जाएंगी पॉजिटिव लिमिट्स ठीक है इस तरीके से हम इसको चेक करते हैं अब कैसे करते हैं अब मैं आपको बताती हूँ कैसे करते हैं चेक कर रहे हो अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे हम यही करेंगे एफ ऑफ सी वाला करेंगे काम ठीक है तो इसमें हम सबसे पहले पुट करेंगे ज़ीरो ठीक है तो एफ ऑफ जीरो जब हम एक्स को जीरो पुट कर रहे हैं इक्वल टू जीरो ये वाला एक्स आ रहा है ना है ना एक्स आ रहा है ना तो वो डायरेक्ट जीरो आ गया चलो एक काम तो हो गया हमारा ठीक है ये वाला काम डन हो गया अब ये लिमिट का काम आ गया लिमिट में हमारे पास है लेफ्ट हैंड पुट करनी है और राइट हैंड पुट करनी है ठीक है तो अब हम लेफ्ट के लिए हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट हम चेक कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड के लिए हम लगाएंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू लेफ्ट के लिए नेगेटिव लगेगा ठीक है एफ ऑफ एक्स अब लेफ्ट का मतलब क्या है जीरो से कम वाला है ना जीरो से कम वाला तो यहाँ पे किस पे हम लिमिट लगाएंगे इस पे लगेगी माइनस अफेक्टेड तो लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव इस वाले फंक्शन पे लगे तो मैं ये फंक्शन लिख रही हूँ ठीक है अगर यहां हम जीरो पुट करते हैं तो क्या आएगा जीरो आएगा अब मैं राइट हैंड लिमिट पुट करती हूँ राइट हैंड के लिए क्या हो जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स अब जीरो पॉजिटिव का मतलब क्योंकि जीरो से ऊपर वाले जीरो से ऊपर वाले के लिए सिर्फ क्या है एक्स है आपके पास तो यहाँ लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो पॉजिटिव और यहाँ आ जाएगा एक्स और इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट आ जाएगी जीरो तो आप देख सकते हो तीनों इक्वल है तीनों इक्वल आई तो यू कैन राइट एफ ऑफ जीरोक्वल आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स के ठीक है वो सारी, सारी की सारी सबकी वैल्यू जीरो आ गई है सो वी कैन राइट हैं फंक्शन हैंस द फंक्शन इज कंटिन्यूस एटैक्स इज एक टू जीरो क्लियर है ये बात ठीक है तो यहाँ पे हम ये चीज जरूर बताएंगे कि अभी तक हम सिर्फ एक फंक्शन के लिए एक निकालते थे लिमिट जैसे हमारा फंक्शन ब्रेक होता है तो हम लेफ्ट के लिए और राइट right के लिए दोनों चेक करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चेक करते हैं तो ये था आपका एग्जाम्पल थर्ड अब करते हैं एग्जाम्पल फोर्थ सो एग्ज़ाम्पल फोर्थ क्या कह रहा है शो दैट द फंक्शन एफ इज गिवन बाय दिस ठीक है इज नॉट कॉन्टीन्यूस अटैक्स इज इक्वल टू जीरो अब आपको बताना है कि ये कॉन्टीन्यूअस नहीं है ये आपको शो करना है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो दो में ब्रेक हो रखा है ठीक है तो दो में ब्रेक हो रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे पहले तो फंक्शन वाली वैल्यू पुट करेंगे फिर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट right हैंड लिमिट निकालेंगे ठीक है तो चलो शुरू करते हैं पहले तो एफ ऑफ इस पे बताना ना ज़ीरो पे तो एफ ऑफ जीरो तो जब ज़ीरो पुट करते हैं एक्स जीरो पुट करते हैं तो एफ ऑफ एक्स कितना आता है वन तो ये आ गया वन अब लिमिट्स की बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो लिमिट एक्स अप्रोच टू तो लेफ्ट के लिए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स तो जब लेफ्ट के लिए हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं मतलब कि ज़ीरो की बात नहीं हो रही है यहाँ पर है ना ज़ीरो की बात नहीं हो रही है अप्रोचेस टू ज़ीरो है लेफ्ट से हम आ रहे हैं तो क्या होगा इज नॉट इक्वल टू जीरो वाला हम यहां पे लगाएंगे तो वो लगाओ यहां पे क्या हो जाएगा दिस विल बी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव एंड यहां हो जाएगा x क्यू प्लस थ्री इज इक्वल टू जब ये जीरो पुट करेंगे जीरो का क्यू प्लस थ्री ये क्या आ जाएगा थ्री आ जाएगा ठीक है सेम चीज अगर हम राइट हैंड लिमिट के लिए भी देखते हैं ठीक है वैसे तो इतने में भी, भी काम चल रहा है हमारा बट फिर भी अगर हम राइट right एंड के लिए भी देखते हैं जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स अगेन जीरो पॉजिटिव का मतलब है वो जीरो नहीं है जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है इनकी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो तो फिर से यही फंक्शन लगेगा कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव एक्स क्यू प्लस थ्री तो ज़ीरो प्लस थ्री कितना हो गया थ्री हो गया तो अब देखो तीनों की वैल्यू सेम नहीं है बेशक इन दोनों की वैल्यू सेम हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन तीनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए है ना? तो नहीं नहीं आया limit, दोनों लिखने की ज़रूरत है एक ही बार लिख दो के बारिख दोन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो इस पे कॉन्टिन्यूस नहीं है ठीक है तो ये था आपका एग्जाम्पल फोर्थ चलिए करते तो अब करते हैं एग्जाम्पल फिफ्थ ये थोड़ा सा ना इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो ये थोड़ा सा डिफरेंट है आप कह सकते हो तो बस छोटा सा दिमाग लगेगा इसके अंदर ध्यान से देखो क्या है चेक द द पॉइंट्स वेयर दर दिन टू के इज कॉन्टिन्यूस तो अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उन्होंने बोला इट इज अ अंस्टेंट फंक्शन कॉन्स्टेंट फंक्शन कॉन्स्टेंट फंक्शन का मतलब क्या है कि कुछ भी आप इसके अंदर पुट करो आंसर क्या आने वाला है के ठीक है तो एक्स आप जीरो पुट करो तो भी आंसर क्या आएगा के मतलब लेट के भी मान लो अभी मान लो टेन है उन्होंने बोल दिया टेन अभी मैं एक एग्जाम्पल लेके बात करी के मतलब कॉन्स्टेंट है कुछ भी तो मान लो टेन है तो आप चाहे पुट करो चाहिए माइनस वन पुट करो टेन आएगा, आएगा फ्रैक्शन में पुट कर दो टेन आएगा जो मर्जी पुट कर दो टेन आएगा तो इसका मतलब है कॉन्टिन्यूस कॉन्स्टेंट फंक्शन तो ये मतलब है तो टेन एक्चुअल में टेन नहीं है है क्या उन्होंने के बोल दिया मतलब कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है 110, कुछ भी हो सकता है तो आप इसके अंदर x में कोई भी वैल्यू पुट करो आंसर उनका k ही आना है समझ आई ये बात ठीक है तो हम हम क्या पुट करें इसके अंदर वो तो अभी तक हमें चार एग्जाम्पल हमने किए उसके अंदर तो हमें गिवन होता था कि चेक करो एट एक्स इजिकल टू या तो जीरो पे चेक करो या वन पे चेक करो या टू पे चेक करो अब यहाँ तो हमें नहीं दे रखा कि एक्स इजिकल टू किस पे चेक करना है ना तो हम क्या करेंगे हमें बोला ना कि चेक द पॉइंट्स अब किन पे चेक करें हम सभी पे चेक करेंगे सभी मतलब सभी कौन से नंबर्स होते हैं मैथ्स में सभी रियल नंबर्स होते हैं मैथ्स में इमेजिनरी नंबर से वी डोंट डील ना तो हम किससे डील करते हैं हम रियल नंबर से डील करते हैं. तो वी विल लेट कि लेट सी बी एनी रियल नंबर अब इसको हम चेक करेंगे एक्स इज इक्वल टू सी पर ठीक है तो पुट करो एफ ऑफ सी इज इक्वल टू अब यहां पर तो एक्स नहीं है यहां पे देखो ना बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं मिस्टेक करते हैं कि यहां पर सी पुट करो तो यहाँ पर भी सी पुट कर दिया यहां थोड़ी आएगा सी क्यों क्योंकि यहां पे एफ ऑफ एक्स है हम एक्स की जगह पे सी पुट कर रहे हैं यहां एक्स थोड़ी है ये तो उन्होंने किया कांस्टेंट बोला कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है जैसे मैंने टेन की बात करी आंसर तो k ही आएगा समझ आई आए? अब सिमिलरली लिमिट लगा के करो लिमिट x अप्रोचेस टू सी ठीक है अब सी के लिए आप पॉजिटिव अब लिमिट इसके अंदर आप कोई भी ले सकते हो लेफ्ट एंड लिमिट भी ले लो चाहे राइट एंड लिमिट ले लो दोनों में ही चाहे सी नेगेटिव लगा लो चाहे सी पॉजिटिव मैं ना दोनों लेकर बताती हैं आपको लेफ्ट एंड लिमिट लगा लो तो लेफ्ट एंड लिमिट के लिए सी नेगेटिव लगा लो ऐसे आप एक से भी काम कर सकते हो ठीक है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव अब एक्स तो यहाँ पे है ही नहीं है क्या यहाँ पे के है तो आंसर तो के ही आएगा ना चाहे आप राइट हैंड लिमिट लगा लो दोनों में से एक ही लगाते कोई फर्क वाली बात नहीं थी तो एक्स अप्रोचेस टू सी पॉजिटिव एफ ऑफ सी इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू सी पॉजिटिव यहाँ पे x तो है ही नहीं के ही है तो आएगा क्या k ही आएगा इसमें तो आप इन नहीं कर सकते तो देखा अपने तीनों में आंसर क्या आ रहा है k आ रहा है तो वी विल राइट सिंस f ऑफ c किसके इक्वल आया लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव f ऑफ x के इक्वल आया वो किसके इक्वल आया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स और तीनों के तीनों किसकी आए के के लिए आए ठीक है सो दस एट एक्स इज इक्वल टू सी और सी हमने क्या लेट करा था एनी रियल नंबर ठीक है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एट एवरी रियल नंबर एट एवरी रियल नंबर पे वो क्या है कॉन्टीन्यूस है ठीक है तो ये था आपका एग्जाम्पल फिफ्थ चलिए करते हैं एग्जाम्पल सिक्स एग्जाम्पल क्या कह रहा है प्रूव दैट आइडेंटिटी फंक्शन ऑन रियल नंबर्स गिवन बाय एफ ऑफ इज इजिकल टू एक्स इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर तो अब यहाँ पर चीज़ देखो उन्होंने बोला है कि आइडेंटिटी फंक्शन अब यहाँ पर आते बच्चे यही सुन के कन्फ्यूज हो जाएंगे कि आइडेंटिटी फंक्शन तो सोचो जब हमने मैट्रिसेस में पढ़ा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा था यानी कि जिससे आइडेंटिटी चेंज नहीं होती तो यहाँ पर भी देखो ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन यानी कि वन पुट करोगे वन आएगा टू पुट करोगे टू आएगा माइनस वन पुट करोगे माइनस वन आएगा फ्रैक्शन में पुट करोगे फ्रैक्शन वही तो चीज़ आएगी दैट्स वाई इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन ठीक है अगर मान लो यहाँ पर सिर्फ ये डेफिनेशन होती है ना प्रूव दैट द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन रियल नंबर इज कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर ये छोड़ दिया जाता तो भी आपको पता होना चाहिए कि दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन क्लियर है ये बात ठीक है तो पेपर में एक लाइन की स्टेटमेंट आ जाएगी वहां बच्चे कहेंगे अरे ये कौन सी थ्योरम आ गई कुछ नहीं है थ्योरम यही है कि वो फंक्शन जिसमें आइडेंटिटी नहीं चेंज हो रही है सिंपल ठीक है तो ये भी क्या बताना कि इट इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी रियल नंबर ठीक है रियल नंबर क्या हो गए पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन वाले जीरो सब तो जो भी आप पुट करोगे वही आएगा इसके अंदर सिंपल सी बात है तो क्या करने वाले हैं हम वही हम एक्स इज इक्वल टू कुछ भी हमें दिया होता है वो हम यहाँ पे लेट करेंगे कि लेट सी बी एनी रियल नंबर कि सी बी क्या है क्या एक रियल नंबर है तो हम चेक करने वाले हैं एक्स इज इक्वल टू सी पर तो फिर से हम वही चीजें लेट करेंगे तो एफ इज इक्वल एफ यहाँ पे सी पुट करेंगे तो एक्स की जगह पे क्या C आ जाएगा सी आ जाएगा ठीक है अब अब नेक्स्ट करो अब लिमिट के लिए लगा दो लेफ्ट एंड लिमिट के लिए लेफ्ट एंड लिमिट क्या आएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू सी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अब यहाँ पे क्या लगाना है यहाँ पे क्या है एक्स ही तो है तो यहाँ पर इसकी जगह पे एक्स की जगह पे सी पुट करना है सी आ जाएगा यहाँ पे ऐसे लगा लो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव एक्स तो यहाँ पे पुट कर दो सी सी आ गया राइट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज एक टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी पॉजिटिव किस में पुट करना है एक्स में तो सी पुट कर दो आगे तीनों इक्वल ठीक है तो वी कैन राइट देरफोर वी कैन राइट कि एफ ऑफ सी इक्वल आया लिमिट एक्स अप्रोच टू सी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स के इक्वल आया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स के और तीनों की वैल्यू आई सी दस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी रियल नंबर वेरी सिंपल ठीक है तो ये था आपके एग्जाम्पल सिक्स चलिए करते हैं एग्जाम्पल सेवेंथ तो अब करते हैं एग्जाम्पल सेवेंथ इज द फंक्शन डिफाइंड बाय फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स फंक्शन तो ऐसे ऐसे एग्ज़ाम्पल हमने अभी थर्ड करा है ठीक है वो भी मॉड एक्स का था उसमें पूछे थे कॉन्टीन्यूस तो इसमें इसमें क्या फ़र्क है तो एग्ज़ाम्पल थर्ड में क्या था उन्होंने पूछा था पर्टिकुलरली कि क्या ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन है एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो अब यहाँ पर हमें सिर्फ ये पूछा कि क्या ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन है तो हमें पता है कि हम क्या करते हैं हम सबसे पहले तो मॉड एक्स को स्प्लिट करके इसको फंक्शन को डिफाइन करते हैं हम इसको रीराइट लिखेंगे रीराइट करेंगे इस तरीके से कि मॉड एक्स को हम कैसे ओपन करते हैं माइनस एक्स आंसर होता है इफ़ एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो एंड प्लस एक्स होता है इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो इस तरीके से हम इसको ब्रेक कर लेते हैं ठीक है अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं हमें चेक करना कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है तो उसके लिए हम क्या करते हैं वही चेक करेंगे लिमिट्स के लिए चेक करते हैं हम वैल्यू पुट करके चेक करते हैं बट यहाँ पर तो दो एक तरीके के क्वेश्चन हो गए ना तो हम यहाँ पे केसेस बनाएंगे कैसे केसेस बनाएंगे पहला तो हम केस वन ले लेते हैं ठीक है अब सबसे पहली बात तो हमें क्या करना है फंक्शन को चेक करना कि कंटिन्यूस है या नहीं है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ऑब्वियसली हम किस में बात करते हैं हम रियल नंबर्स की ही बात करते हैं ठीक है तो हम यहाँ पे पहले कंसीडर करेंगे लेट सी बी एनी रियल नंबर ठीक है हम पहले इसको ये मान लेते हैं ये तो सब के लिए हमने एक मान लिया लेट सी बी एनी रियल नंबर ठीक है फिर हम क्या करेंगे केस एस वन के लिए पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट जो सी है वो लेस देन ज़ीरो है ठीक है लेस देन जीरो है तो उसके लिए सबसे पहले अगर मैं सी लेस देन जीरो के लिए चेक करती हूँ तो पहले हम क्या करते हैं फंक्शन में सी पुट करके चेक करते हैं ना तो पुट करो पुट सी इसकी जगह पर अगर सी लेस देन जीरो है तो क्या आएगा ये आएगा ऑप्शन तो वही हो गया माइनस का सी ठीक है अब हम लिमिट लगा के चेक करते हैं ठीक है अब देखो हमें लिमिट के लिए क्या होते हैं हम या तो लेफ्ट हैंड लिमिट लगाते हैं या राइट हैंड लिमिट ये दोनों लगा के चेक कर रहे थे हम है ना तो जहाँ पर हमारे पास फंक्शन एक आ जाता है ना क्योंकि अगर हम ये बात करते हैं ना कि लेट c इक्वल्स सी इज़ लेस देन ज़ीरो तो वहाँ के लिए हमारे पास ए के तो ऑप्शन आया क्या आया माइनस एक्स का आया ना ये वाला फंक्शन ठीक है तो वहाँ पे हमें ना लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगाने की जरूरत नहीं होती है जैसे कि हमने अभी सिक्स एग्जाम्पल में किया था ये तो मैंने आपको करके दिखा दिया कि कोई बात नहीं आप नेगेटिव भी लगा सकते हो पॉजिटिव भी लगा सकते हो ये भी करेक्ट है बट अगर आप सिंपल इसमें क्योंकि हमारे पास एक ही फंक्शन है तो अगर हम ये लेफ्ट एंड लिमिट राइट एंड लिमिट ना लगा के सिंपल में लिमिट लगा देती लिमिट दिस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू सी एंड यहाँ पर सी तो सिर्फ सी ही आता तो ये लेफ्ट और राइट right लिखने की नीड नहीं है अगर एक फंक्शन है बेसिकली अगर दो फंक्शन होते हैं तब हम लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट लगाते हैं तो यहाँ मैंने आपको सिर्फ ज़्यादा एक्सप्लेन करके कराया है अगर आप एक में भी काम चलाएँगे तो भी चलेगा तो सेम चीज़ यहाँ पे है यहाँ पर फॉर सी लेस देन ज़ीरो के लिए एक ही फंक्शन आ चुका है तो इसीलिए हम यहाँ पर जो लिमिट लगाएंगे वो एक ही लगाएंगे तो लिमिट लगाते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ ऑफ इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी और किस पे है ये माइनस एक्स पे है अब यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये माइनस क्या आ जाएगा आपके पास सी आ जाएगा तो अब हम देख पा रहे हैं कि एफ ऑफ सी इक्वल आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स के और दोनों की वैल्यू क्या आई है माइनस सी तो आप लिख सकते हो कि फंक्शन इज कंटिन्यूस कंटिन्यूअस फॉर आप ये भी, भी लिख सकते हो फॉर सी लेस देन जीरो या फिर लिख सकते हो फॉर ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स ठीक है नेगेटिव रियल नंबर्स क्योंकि हमने सी को रियल नंबर माना है और लेस देन जीरो तो सारे के सारे क्या होंगे नेगेटिव ही होंगे ठीक है तो ये आ गया फर्स्ट केस अब हम सेकेंड केस कंसिडर कर लेते हैं केस टू अब मैं मान लेती हूँ कि लेट सी जो है वो ग्रेटर देन जीरो है अब सी ग्रेटर देन जीरो के लिए आपके पास कौन सा फंक्शन है ये वाला फंक्शन अभी मैं इक्वल टू जीरो नहीं ले रही हूँ ध्यान रखना तो हम अब इसके लिए फंक्शन क्या जाएगा? X x आ जाएगा एफ़ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा ठीक है यहाँ पर भी एक ही फंक्शन है तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे यही एक बार ही लिमिट पुट करेंगे लेफ्ट राइट right नहीं करेंगे ठीक है तो चलो पहले सी पुट करो तो इसमें क्या आएगा सी आ जाए एक्स uh, की जगह पे क्या जाएगा? C आ जाएगा सी आ जाएगा सिंपल फिर लिमिट पुट कर देंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ़ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी और यहाँ है क्या है एक्स तो वैल्यू पुट कर देंगे सी आ जाएगा तो दोनों की ही वैल्यू सेम आ गई तो वी कैन राइट एफ ऑफ एफ ऑफ सी इक्वल आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स के और दोनों की वैल्यू कितनी आई है सी आई है सो दस फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स ठीक है पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए भी क्या है कंटिन्यूस है तो पॉजिटिव का मतलब क्या होगा ग्रेटर देन जीरो ठीक है अब हमारे पास जो बेसिकली जो मेन अब आपके पास ऑप्शन आता है वो आता है एट जब एक्स जो होगा हा वो क्या हो? जब सी जो होगा वो जीरो के इक्वल होगा ठीक है तब हम केस थ्री लेते हैं इस पर ध्यान से देखना क्योंकि जीरो पर टूट रहा है, है ना जीरो पे टूट रहा है तो यानी कि दो फंक् दो आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं तो अब यहाँ पे आपको लेफ्ट लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगानी पड़ेगी तो हम लेट करते हैं लेट सी इक्वल्स टू जीरो ठीक है तो c इक्वल्स टू जीरो के लिए अब हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट यहाँ पे लगानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर जीरो पे ही फंक्शन टूट रहा है ब्रेक हो रहा है दो फंक्शन आ रहे हैं आपके पास ठीक है तो देखो कैसे करेंगे अब हम इसे अब लेट c इक्वल्स टू जीरो है तो पहले तो हम पहले वाला ही काम कर दें जब हम एक्स uh, की जगह पे वो वैल्यू पुट कर देते हैं तो एफ ऑफ सी लगा रहे थे ना अभी तक हम तो सी हमने यहाँ पर जीरो माना तो जीरो ही लगा दो इज इक्वल टू अब जीरो पे क्या है एक्स है तो यहाँ पे एक्स की जगह पे भी हम जीरो लगा देंगे पहला काम डन हो गया ठीक है अब क्या चाहिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या लगाते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव लेफ्ट से आ रहे होते हैं ये देखो नंबर लाइन पे ये जीरो है लेफ्ट के से आ रहे होते तो, तो नेगेटिव लगाते हैं राइट से आ रहे होते तो पॉजिटिव लगाते हैं तो कौन सा फंक्शन लगेगा माइनस ऑफ एक्स का है ना माइनस ऑफ एक्स का तो हम यहां लगाएंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू तो सी नेगेटिव माइनस ऑफ एक्स तो यहां पर सी पुट करेंगे तो क्या आएगा माइनस का सी ठीक है अब यहाँ पे ना एक चीज़ देखना हमने C को क्या माना था ज़ीरो माना था है ना तो ज़ीरो अगर मैं अब मैं यहाँ पे ना C की बजाय मैं क्या कर देती हूँ जीरो पुट कर देती हूँ आपके लिए वो ज़्यादा इजी रह जाएगा वैसे तो हम यहाँ पर लास्ट में भी जीरो पुट कर सकते हैं क्योंकि C हमने क्या माना है ज़ीरो तो यहाँ पर हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं माइनस जीरो तो माइनस जीरो इज अगेन ज़ीरो ठीक है सो दिस इज टोटली ऑप्शनल दिस इज टोटली ऑप्शनल कि आपको सी करके लास्ट में आपको जीरो पुट करना है या आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं लेफ्ट एंड लिमिट लगा के लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी लगा रहे थे अब सी हमने माना क्या है जीरो तो जीरो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि हम लेफ्ट से आ रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव और नेगेटिव के लिए कौन सा फंक्शन है ये वाला तो यहाँ है माइनस एक्स तो एक्स की जगह पे जीरो पुट करना है तो माइनस जीरो इक्वल्स टू जीरो ठीक है तो ये आप सी पे लगा के लास्ट में जीरो पुट कर सकते हैं या आपने डायरेक्ट यहाँ पर हमने जैसे सी को ज़ीरो पुट किया तो आप ऐसे भी ऑप्शन ले सकते हैं ठीक है तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी ना राइट हैंड लिमिट के लिए क्या है आपके पास मैं यहाँ स्टार लगा देती हूँ कि दिस इज ऑप्शनल आप ऐसे भी कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हैं ठीक है तो राइट हैंड के लिए क्या हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू मैं जीरो ही करके कर रही हूँ जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स

इक्वल हो गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्सर सबकी आंसर कितना आया है जीरो आया है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूस ठीक है फंक्शन किसके लिए जीरो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है एट सी इक्वल्स टू जीरो पे भी ठीक है तो ये कंटिन्यूस हो गया for all points so therefore function is continuous for at all points ठीक है या at all points हर points पे हर points का मतलब क्या हो गया वो negative के लिए भी continuous था positive के लिए भी continuous था और zero पे भी continuous हमने prove कर दिया है ठीक है तो ये था आपका example सेवेंथ चलिए करते example एट्थ एग्जाम्पल एथ क्या कह रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस अब इसकी कंटिन्यूटी हमें देखनी है देखो अब अगेन हमें यहाँ पे एक ही फंक्शन दिया हुआ है तो वी डोंट नीड टू अप्लाई लेफ्ट एंड लिमिट और राइट एंड लिमिट ठीक है तो कंटिन्यूटी चेक करनी है तो कंटिन्यूटी हम किस पे चेक करते हैं मैथ्स के नंबर पे चेक करते हैं और नंबर हम किससे डी डील करते हैं रियल नंबर से डील करते हैं तो वही हम सबसे पहले बता देंगे लेट सी बी एनी रियल नंबर ठीक है कि सी जो है वो एक कोई भी रियल नंबर है ठीक है तो पहले तो हम क्या करेंगे f ऑफ c लगाएंगे यहाँ पे तो c की वैल्यू पुट करेंगे plus c क्यू प्लस सी स्क्वायर माइनस वन ये आ गया फर्स्ट फिर क्या लगाएंगे लिमिट लगाएंगे लिमिट के लिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लगाने की नीड नहीं है क्योंकि एक ही फंक्शन है ठीक है थेके? तो लिमिट लगाओ लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c और यहाँ क्या है फंक्शन आपका एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स की जगह पे आप सी पुट करेंगे सी क्यू प्लस सी स्क्वायर माइनस वन अब दोनों ही क्या आ रहे हैं बिल्कुल सेम आ रहे हैं तो वी कैन राइट कि एफ ऑफ सी हमारा इक्वल आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स के और वो दोनों का क्या आंसर आया है सी क्यू प्लस सी स्क्वायर माइनस वन सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी रियल नंबर एट एवरी रियल नंबर हर रियल नंबर पर वो कंटिन्यूस क्योंकि हमने सी को क्या माना है रियल नंबर माना है और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये आज तो हमारा क्या होता है कंटिन्यूस होता है तो हमने प्रूफ कर दिया वेरी सिंपल ठीक है तो ये था आपका एग्जाम्पल एट जो ले करते हैं एग्जाम्पल नाइन्थ एग्जाम्पल नाइन्थ में देखिए क्या कह रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स और जो एक्स है वो जीरो के इक्वल नहीं है पहले तो इस क्वेश्चन का मतलब समझो अगर एक्स जीरो के इक्वल होता तो वन बाय ज़ीरो होता क्योंकि रियल नंबर हम कॉन्टीन्यूटी चेक करते तो कॉन्टीन्यूटी रियल नंबर पर चेक करते हैं और रियल नंबर में जीरो भी आता है वो कह रहे हैं एक्स प्लस जीरो नहीं है क्योंकि अगर एक्स जीरो होता तो वन बाई जीरो क्या हो जाती है नॉट डिफाइंड हो जाता है नंबर नंबर इज़ नॉट डिफाइंड तो इसलिए हमारा जो एक्स है वो जीरो के इक्वल नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि ये जीरो पे कंटिन्यूस नहीं है उन्होंने बोला ही नहीं इस पर चेक करो समझ आ रही है इसका मतलब ये है उन्होंने बोला है कि सिर्फ आपको चेक करना है फॉर ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स आपने इसको रियल नंबर जीरो पे चेक नहीं करना समझ आई बात ठीक है इसका मतलब बहुत बड़ा है जिसका जीरो पे कंटिन्यूस है नहीं है वो नहीं पता ना हमें चेक करना है उन्होंने बोला एक्स जीरो के इक्वल नहीं यू हैव टू डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी फॉर ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो ठीक है तो हम यहां पर ही कंसीडर सबसे पहले यही करेंगे लेट सी बी एनी नॉन ज़ीरो रियल नंबर ठीक है यानी कि नॉन जीरो यानी कि वो सिर्फ जीरो नहीं है नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो पहले तो हम सी वाला ही काम कर देते हैं ख़त्म तो ये हो गया वन बाय सी तो पहला काम खत्म हो गया ठीक है अब अगेन ए की फंक्शन है तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं लगाएंगे हम सिंपल लिमिट वाला काम करेंगे तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी किस पे लगाना है वन बाई एक्स पे लगाना है तो आ गया वन बाय सी तो दोनों सेम आ गए तो वी कैन राइट एफ ऑफ सी इक्वल हो गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स के और दोनों की वैल्यू आई है वन बाई सी तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वी कैन राइट फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स ठीक है एक तो हम ये लिख सकते हैं और एक आपके एनसीआरटी के अंदर एक एक्स्ट्रा लाइन लिखी हुई है मैं वो लाइन आपको समझाना बहुत जरूरी समझूंगी यहां पे लिखा हुआ है कि हैंस एफ इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ अब इसका मतलब बहुत अच्छे से समझिए इसका क्या मतलब क्योंकि कई बच्चे ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं तो एक एक लाइन का अगर मतलब आप समझेंगे तो आपको बहुत ईजी रहेगा तो देखो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ डोमेन का मतलब होता है इनपुट से ठीक है इनपुट से कि आप क्या इनपुट दे रहे हो वहां पे कंटिन्यूस है ठीक है तो डोमेन ऑफ एफ का मतलब कि जो भी आपने एफ में पुट करा है इनपुट दी है क्या वहाँ पे फंक्शन कॉन्टीन्यूस है वो कह रहे हैं जो भी आप इनपुट दे रहे हो वहाँ पर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है इनपुट का क्या मतलब है हमने यहाँ क्या माना है एनी नोन ज़ीरो नॉन यानी कि हमारे इनपुट में ज़ीरो नहीं आ रही हमारे डोमेन में ज़ीरो नहीं है बाकी कुछ भी आप डोमेन दे रहे हो कुछ भी आप इनपुट दे रहे हो उस सब पे जो जो फंक्शन है वो क्या है कंटिन्यूस है इसका सिर्फ इतना सा ये मतलब है डोमेन का मतलब है जो भी आप इसके अंदर पुट कर रहे हैं इनपुट जो आप इसको दे रहे हैं यहाँ पे आपको ये अलाउड नहीं है ठीक है ये चीज ध्यान रखेंगे तो ये आपकी इनपुट उन्होंने बोली नहीं आपको अलाउ नहीं किया कि ये ये पुट करके देखो ओके okay? तो ये था आपका जिसके अंदर इस लाइन का मतलब मुझे लगा कि बताना बहुत जरूरी है सो आई डिस्कस दैट तो ये था एग्जाम्पल नाइन चलिए करते हैं 10. तो अब ये है आपके पास एग्जाम्पल द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय एक्स एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू अगर x लेस देन इक्वल टू वन है x माइनस टू अगर x ग्रेटर देन वन है ठीक है तो यहाँ पर भी एक वैसे सेवंथ एग्जाम्पल जैसा ही हो गया कि जैसे दो में टूट रहा है है ना तो क्या करेंगे हम सबसे पहले हम यहाँ पे केसेस फिर से बनाएंगे ठीक है कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है तो फिर से हम क्या कंसीडर करेंगे c कोई रियल नंबर है तो पहला केस बना लेंगे कि वो लेस देन वन है दूसरा केस बनाएंगे कि वो ग्रेटर देन वन है फिर थर्ड केस इक्वल टू वन वाला हम चेक करेंगे ठीक है तो पहले कंसीडर करते हैं लेट सी बी एनी रियल नंबर उसके बाद केस वन केस वन के लिए लेट सी जो है वो लेस देन वन है मान लेते हैं एक बार के लिए तो फंक्शन कौन सा आ जाएगा लेस देन वन के लिए लेस देन वन के लिए ये आएगा एक्स प्लस टू आएगा ठीक है तो लगाओ इसमें क्या है अब देखो एक फंक्शन है एक फंक्शन के लिए फॉर सी लेस देन इक्वल टू वन एक ही फंक्शन आ रहा है यहां पे तो कुछ ब्रेक नहीं हो रहा ना क्योंकि हमने कंडीशन ही ये लगाई है तो यहां पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं लगाएंगे हम डायरेक्ट लिमिट वाला काम करेंगे ठीक है और उससे पहले हम क्या काम करते हैं सी वाला काम करते हैं तो पहले एफ ऑफ सी निकाल लो एफ ऑफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी प्लस टू फिर दूसरा काम लिमिट वाला लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बिकॉज फॉर सी लेस देन इक्वल टू वन एक ही फंक्शन है तो वी डोंट नीड टू अप्लाई लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ठीक है चलो ये हो गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी और ये हो जाएगा एक्स प्लस टू तो यहाँ सी पुट कर देंगे दिस इज सी प्लस टू तो दोनों पे सेम आ रहा है वी कैन राइट एफ ऑफ सी इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एफ ऑफ एक्स और दोनों कितना आ रहा है सी प्लस टू ये आते ही वी कैन राइट फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स लेस देन वन ठीक है वन से छोटे वाले जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सबके लिए फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है ठीक है अब हम करते हैं केस टू केस टू अब केस टू में क्या आएगा सी तो हमने रियल नंबर बता ही रखा है अब हम लेट कर लेंगे कि जो सी है वो ग्रेटर देन वन है तो अगर ग्रेटर देन वन है तो ग्रेटर देन वन के लिए एक ही फंक्शन है आपके पास दैट इज़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू अब एक ही फंक्शन है फिर एक फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे हम यहाँ पर ब्रेक नहीं करेंगे लेफ्ट और राइट को ऐसे ही फॉलो करेंगे तो पहले सी पुट करेंगे हम यहाँ पर एफ़ ऑफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी माइनस टू फिर लिमिट वाला काम करेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी और यहाँ है एक्स माइनस टू सी पुट करेंगे सी माइनस टू तो दोनों सेम आ रहे हैं तो वी कैन राइट एफ ऑफ सी इक्वल आ रहा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स और दोनों का क्या वैल्यू है सी माइनस टू तो ये आते ही वी कैन राइट कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स ग्रेटर देन वन ठीक है तो लेस देन वन के लिए भी सभी के लिए वो कंटिन्यूस था ग्रेटर देन वन के लिए भी सभी के लिए कंटिन्यूस था अब हमने चेक करना है एट वन के लिए ठीक है तो एट वन के लिए अब हम चेक करेंगे तो केस थ्री लेट c इक्वल्स टू वन अब c इक्वल्स टू वन के लिए अब वन पे तो ये ब्रेक ही हो रहे हैं लेस देन वन और ग्रेटर देन वन के लिए तो चलो था वन पे ये दोनों ब्रेक हो रहे हैं है ना तो देखो अगर मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करती हूँ हेयर इट इज वन तो लेफ्ट से अगर हम आते हैं है ना लेफ्ट से आएंगे तो नेगेटिव लगेगा राइट right से आएंगे तो पॉजिटिव लगेगा तो वही चीज़ हम यहाँ पे अब हम करने वाले हैं तो पहले तो अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ सी वाला काम करते हैं ठीक है एफ ऑफ सी अब सी है क्या यहाँ पे वन है ठीक है तो वन किस कौन से वाले फंक्शन पे है पहले तो ये इस वाले फंक्शन पे ना एक्स प्लस टू वाले फंक्शन पे है तो यहाँ पर सी हमने माना क्या है वन माना है तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा वन प्लस टू ये आ गया आपका थ्री पहले वाला तो काम हो गया बिना लिमिट वाला काम तो हो गया जो हम इस पर करते हैं ठीक है वो हो गया अब हमें लिमिट वाला काम करना है चलो लगाओ पहले हम करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, हैं लिमिट की लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव और सी हमने क्या माना है वन तो वन नेगेटिव ठीक है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन नेगेटिव और नेगेटिव का मतलब लेफ्ट से आ रहे हैं यानी कि वन से छोटा वन से छोटे वाला फंक्शन ये वाला है आपके पास तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टू तो यहाँ पे पुट कर दो ये हो जाएगा वन प्लस टू ये हो गया आपका थ्री ठीक है अब हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी पॉजिटिव और सी क्या है वन तो वहां आ जाएगा वन पॉजिटिव X to limit x to one positive. One positive का मतलब ये कि से greater, है से ग्रेटर ग्रेटर है ना का मतलब क्या हुआ one से ग्रेटर यहाँ के लिए आ रहा है यहाँ के लिए इस साइड की तो वन से ग्रेटर वाला ये फंक्शन है सो दिस इज एक्स माइनस टू तो एक्स की जगह पे वन पुट करेंगे वन माइनस टू ये आ गया माइनस वन तो अब देखो यहाँ पर थ्री यहाँ पर थ्री लेकिन यहाँ पे माइनस वन है राइट right? तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो c इक्वल्स टू वन पे कंटिन्यूस नहीं है तो वी कैन राइट कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट सी इक्वल्स टू वन ठीक है Hence, F is not continuous, not continuous, एट एक्स इज इक्वल टू वन वन के लिए वो कंटिन्यूस नहीं है ठीक है one से लेस पे कंटिन्यूस है से ग्रेटर पे है बट वन पे कंटिन्यूस नहीं है ठीक है तो ये था आपका एग्जाम्पल टेंथ चलिए करते हैं एग्जाम्पल इलेवेंथ तो एग्जाम्पल इलेवेंथ में ध्यान से देखेंगे क्या है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस अब हमें पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है वही हमें कंटिन्यूटी ही चेक करनी है जहाँ कंटिन्यूअस आ गया ठीक है नहीं आया तो वहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिल जाएगा ठीक है अगेन ये वैसा ही क्वेश्चन है ब्रेक्स मिले हुए हैं लेस देन वन इक्वल टू वन एंड ग्रेटर देन वन है one, one, ना तो वही हम सी कंसिडर करेंगे कि कोई भी एक रियल नंबर है ठीक है उसी से हम स्टार्ट करते हैं करना इसको तो लेट सी बी एनी रियल नंबर ठीक है तो केस वन केस वन की जो c है वो लेस देन वन है तो उसके लिए जो फंक्शन आ जाएगा लेस देन वन के लिए क्या आ जाएगा x प्लस टू ठीक है तो उसके लिए हम कंसिडर करेंगे अब c लेस देन वन के लिए एक ही फंक्शन है सो नो नीड ऑफ डूइंग लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एक ही लिमिट करेंगे बट उससे पहले c पुट करते हैं हम तो एफ ऑफ सी इक्वल्स टू सी प्लस टू फिर लिमिट वाला काम कर दो x approaches to c एफ ऑफ x लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी और यहाँ फंक्शन क्या है x प्लस टू तो c पुट करेंगे c प्लस टू दोनों सेम आ गए वी कैन राइट एफ ऑफ सी इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स और दोनों की वैल्यू क्या है c प्लस टू और ये आते ही वी कैन राइट कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट लेस देन वन ठीक है लेस देन वन के लिए हर पॉइंट पे वो कंटिन्यूस है और दूसरे के लिए केस टू मान लेंगे अब हम केस टू की सी जो है वो ग्रेटर देन वन है तो ग्रेटर देन वन के लिए जो फंक्शन आएगा वो क्या होगा ग्रेटर देन वन के लिए एक्स माइनस टू है एक्स माइनस टू हो गया ठीक है तो यहाँ पे भी पहले हम सी पुट करेंगे क्या हो जाएगा सी माइनस टू अब लिमिट लगाएंगे एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एक्स माइनस टू यहाँ पे सी पुट कर देंगे सी माइनस टू दोनों सेम आ गए तो एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स और दोनों आए हैं सी माइनस टू तो ये सेम आते ही हम लिख सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ग्रेटर देन वन ठीक है हर पॉइंट पे लेस देन वन पे भी कंटिन्यूस है ग्रेटर देन वन पे भी कंटिन्यूस है अब हम चेक करेंगे इक्वल टू वन के लिए ठीक है इक्वल टू वन के लिए तो चेक करते हैं केस थ्री केस थ्री लेट सी इक्वल्स टू वन ठीक है अब यहां पर ना एक चीज देखना कि जैसे ही हम सी इक्वल्स टू वन पुट करेंगे वन पे तो ब्रेक हो ही रहा है ना तो यहां पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेनी पड़ेगी तो उससे पहले तो हम नॉर्मल वाला काम करते हैं पुट करते हैं वैल्यू तो यहाँ पे पहले तो ऑफ पुट करेंगे लेकिन सी क्या है 1. तो फंक्शन पे क्या है फंक्शन पे है 0. तो ये आ गया आपका 0. ठीक है इतना काम डन हो गया अब आइए लेफ्ट लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट पे तो लेफ्ट लिमिट के लिए लगाएंगे हम लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव c नेगेटिव का मतलब वन नेगेटिव ठीक है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेज टू वन नेगेटिव और फंक्शन है क्या वन नेगेटिव मतलब वन से लेस वन से लेस ये वाला फंक्शन है दैट इज एक्स प्लस टू यहाँ पे वन पुट करेंगे तो वन प्लस टू ये आ गया आपका थ्री ऐसे ही राइट एंड लिमिट चेक करेंगे राइट एंड लिमिट के लिए क्या आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन पॉजिटिव वन पॉजिटिव का मतलब वन से ग्रेटर चाहे छोटा सा भी ग्रेटर हो तो ये है एक्स माइनस टू तो वन पुट करेंगे तो वन माइनस टू ये आ गया माइनस वन अब देखो तीनों ही वैल्यूज कंसाइड नहीं कर रही हैं है ना तो वी विल राइट सिंस एफ ऑफ वन इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट सो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस At x is equals to one. One पे continuous नहीं है, यही उसका है, है? ठीक है? So ये था आपका एग्जाम्पल इलेवंथल तो आप करते हैं एग्जाम्पल ट्वेल्थ एग्जाम्पल ट्वेल्थ में क्या है डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस अभी आपको फंक्शन दिया गया है और ये बोला गया है कि इसकी कंटिन्यूटी चेक करो ठीक है अब देखो यहां पे ना आपको x लेस देन जीरो दिया हुआ है x ग्रेटर देन जीरो दिया हुआ है ठीक है आपको यहां पर जीरो पे चेक नहीं करना है ये कहने का मतलब है ठीक है बाकी सारे क्वेश्चन में क्या था इक्वल टू कहीं कहीं लगा हुआ था तो इक्वल टू का मतलब क्या था हमारे पास केस थर्ड भी बन रहा था तो एट हम जीरो भी चेक कर रहे थे या फिर अगर इक्वल टू वन था तो वन पे भी हम चेक कर रहे थे यहाँ पे सिर्फ आपके पास दो ही केस बनेंगे या तो केस होगा नेगेटिव का या केस होगा पॉजिटिव रियल नंबर्स का जीरो पे हमने चेक नहीं करना क्लियरली इंडिकेटेड है यहाँ पे समझ में आ गई ये बात ठीक है तो चेक करेंगे अब हम यहाँ पे कि लेट सी बी एनी रियल नंबर देखो सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं यहाँ पे है ना तो केस वन केस वन के लिए क्या है आपके पास कि लेट सी इज लेस देन जीरो तो लेस देन ज़ीरो के लिए फंक्शन क्या आ रहा है आपके पास x प्लस टू ठीक है तो उसके लिए हम पहले c पुट कर देते हैं एफ़ ऑफ सी इक्वल्स टू क्या आएगा c प्लस टू फिर इसके लिए एक ही फंक्शन है सो नो नीड टू पुट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक ही लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी फंक्शन है आपका एक्स प्लस टू सी पुट कर दो सी प्लस टू दोनों सेम आ गए फंक्शन एफ ऑफ सी इक्वल हो गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स की और दोनों की वैल्यू आई है सी प्लस टू तो ये आते ही यू कैन कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स ठीक है ये लिख सकता है क्योंकि नेगेटिव ही आ रहा है ना जीरो से लेस नेगेटिव होंगे फिर अब केस टू देखो केस टू में क्या है कि अब हम सी कंसीडर कर लेंगे ग्रेटर देन ज़ीरो तो ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए फंक्शन क्या आ जाएगा माइनस एक्स प्लस टू ये आ जाएगा ठीक है तो अब हम यहाँ पे पहले एफ ऑफ सी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का सी प्लस का टू फिर हम लिमिट लगाएंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी और फंक्शन है माइनस एक्स प्लस टू सी पुट करेंगे तो माइनस सी प्लस टू दोनों सेम आ गए फिर से लिखेंगे टू लिमिट अप्रोचेस दोनों भी क्या हो गए सेम तो यहां हम लिख सकते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स अब यहां पे अगेन मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि अब यहाँ पर फिर से देखो हमें ज़ीरो पुट करने को बोला ही नहीं है ना ज़ीरो पुट करने को नहीं बोला तो इसका मतलब क्या है कि जो जो उन्होंने हमें इनपुट दी हम उन्हें उसी उसी पर ही चेक करा है हमने ज़ीरो पे चेक नहीं क्योंकि ज़ीरो के लिए हमें फंक्शन ही नहीं दिया उन्होंने है ना ज़ीरो के लिए हमें फंक्शन नहीं दिया तो हम सिर्फ यहाँ से ये लिख सकते हैं कि फंक्शन इज़ कंटिन्यूस फॉर एट ऑल पॉइंट्स इन द डोमेन ऑफ एफ अगेन डोमेन की बात क्या है कि जो आपने हमें इनपुट दी है हमने उन्हीं उन्हीं पर चेक करा है और उन सब पे वो क्या है कंटिन्यूअस है तो लिखेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स इन द डोमेन ऑफ एफ तो डोमेन का मतलब समझ में आ रही है कि जो जो आपने इनपुट दी है हमने उन्हीं पर ही चेक करा है उसके अलावा हम कहीं नहीं गए क्योंकि आपने हमें फंक्शन ही नहीं दिया जीरो के लिए ओके okay, तो इसका ये मतलब होता है तो ये जो हमने एग्जाम्पल अभी किया है इसको हम एक ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं ठीक है कैसे ग्राफ से चेक कर सकते हैं देखो हम इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं मान लो ये वाई एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है ठीक है हमने अभी देखा कि ये c प्लस टू पर भी कंटिन्यूस है माइनस सी प्लस टू पर भी कॉन्टीन्यूस है ठीक है बस ये किस पे आ, हमें कहाँ नहीं चेक करना था हमने बस जीरो पे नहीं चेक करना था वो हमारा उसमें नहीं आ रहा था है ना जीरो वाला हमें दे ही नहीं रखा है तो हम क्या करेंगे हम इस तरीके से करेंगे इसको ये है आपका माइनस वन माइनस टू तो यहाँ से ये गया ठीक है और जहाँ ज़ीरो आया यहाँ पर ज़ीरो है तो यहाँ पर हम चेक नहीं कर सकते और ये हो गया वन और ये हो गया टू यहाँ हम चेक नहीं कर सकते हैं और ये इस तरीके से तो यानी कि यहाँ पर भी कंटिन्यूस था क्योंकि हमने मैंने एक बार भी पेन नहीं उठाया तो यहाँ पर भी कंटिन्यूस था और यहाँ पर भी कंटिन्यूस है क्योंकि एक बार भी पेन नहीं उठा ड्रॉ करते तो ये रहे। चलती रहेगी चलती रहेगी बस हम यहाँ पर नहीं कर पाए चेक ठीक है यहाँ पर हम चेक नहीं कर पाए क्योंकि हमें ज़ीरो नहीं दे रखा था चेक करने के लिए ओके तो इसका ये मतलब होता है ये होता है ग्राफ वैसे आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है मुझे सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना था कि किस तरीके से कंटिन्यूस आ रहे हैं तो ये था आपका एग्जाम्पल ट्वेल्थ चलिए करते हैं एग्जाम्पल थर्टींथ एग्जाम्पल थर्टींथ क्या कह रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय अब आपको ये फंक्शन दिया गया है ठीक है और यहां पर देखो आपको ग्रेटर देन जीरो भी दिया हुआ है इक्वल टू जीरो एंड लेस देन जीरो भी दिया यानी कि यहाँ पर फिर से आपके कितने केस बनेंगे फिर से आपके थ्री केसेस बनेंगे ठीक है एक लेस देन जीरो वाला एक ग्रेटर देन जीरो वाला और एट एट जीरो वाला क्लियर है ये बात तो फिर से शुरू करते हैं इसको करना लेट सी बी एनी रियल नंबर तो केस वन लेट c is less than zero तो so less than zero के लिए ये आपका function है f of x is equal to x square तो so पहले हम c वाला काम करते हैं तो put कर दो c तो so क्या आ जाएगा c square फिर limit वाला काम करते हैं again for x for c less than zero एक ही function है so no need to do left and right एंड limit एक ही काम करेंगे limit से f of x is equal to limit एक्स अप्रोचेस टू सी और यहाँ है एक्स स्क्वायर तो इसकी जगह पुट कर देंगे दोनों सेम आ गए एफ ऑफ सी इक्वल आ गए इसका लिमिट पुट करने के ठीक है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स नेगेटिव का तो लेसन जीरो हो गया ठीक है अब केस टू लेंगे हम केस टू केस तो टू में क्या है आपके पास कि लेट c इज ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है तो यहाँ पे क्या करेंगे पहले हम c पुट करेंगे तो ये आ जाएगा c फिर लिमिट लगाएंगे अगेन यहां पे भी लेफ्ट एंड राइट एंड लिमिट करने की जरूरत नहीं क्योंकि फॉर दिस केस एक ही फंक्शन है तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी फंक्शन इज एक्स तो इसकी जगह पुट कर दिया दोनों सेम आ गए एफ ऑफ सी इक्वल हो गया लिमिट वाले फंक्शन के ठीक है तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स ठीक है अब हम बात करते हैं कि एट एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए ठीक है तो लगाओ यहाँ पे केस थ्री केस three, फोर c इक्वल्स टू zero के लिए ठीक है तो सबसे पहले हम पहले तो सिर्फ c वाला का केस करेंगे हम ठीक है तो पहले f ऑफ c, f ऑफ c पुट करते हैं c यहाँ पर zero है तो एट zero, एट zero के लिए क्या फंक्शन है सिर्फ x है ना और x पे भी हमें zero पुट करना तो ये आ गया zero, ठीक अब हम बात करेंगे लेफ्ट hand लिमिट की लेफ्ट hand लिमिट के लिए लिमिट एक्स अप्रोचेज टू लेफ्ट के लिए जीरो नेगेटिव हो जाएगा ठीक है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो नेगेटिव अब देखो जीरो नेगेटिव का मतलब क्या हुआ यहाँ है ना लेफ्ट में यानी कि जीरो से कम जीरो से कम वाला कौन सा केस है एक्स स्क्वायर वाला तो ये हो गया एक्स स्क्वायर तो ज़ीरो का स्क्वायर इज अगेन ज़ीरो ठीक है नाउ राइट हैंड लिमिट निकालो राइट हैंड लिमिट के लिए एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो पॉजिटिव हो जाएगा ठीक है तो ये हो गया जीरो पॉजिटिव जीरो पॉजिटिव का मतलब जीरो से चाहे छोटा थोड़ा सा बड़ा लेकिन जीरो से बड़ा जीरो से बड़ा क्या है एक्स तो यहाँ हो गया एक्स तो एक्स की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो वो भी जीरो ही आएगा तो आपने देखा ही तीनों ही केसेस में बिल्कुल सेम आ रहा है तो इस केस के अंदर तीनों सेम आ रहे हैं कि एफ ऑफ जीरो इक्वल आ गया लिमिट लेफ्ट वाली के और लिमिट राइट right वाली के और सबकी वैल्यू ज़ीरो आई है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ज़ीरो यानी कि दिस मीन्स द फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन यानी कि जो जो आपको इनपुट दी है वो सब पे फंक्शन कॉन्टीन्यूस है ठीक है सो हैंस आप लिख सकते हैं हैंस फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस एफ इज कंटिन्यूस फंक्शन ओके तो ये था आपका एग्जाम्पल थर्टीन्थ चलिए करते एग्जाम्पल फोर्टीनथ तो अब आपका एग्जाम्पल फोर्टीनथ क्या कह रहा है शो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस तो सबसे पहले तो बच्चों को प्रॉब्लम आती है उनको पता ही नहीं होता कि पॉलिनोमियल फंक्शन होते क्या हैं ठीक है वट आर पोलिनोमियल फंक्शंस तो पहले तो वो हम पढ़ते हैं ठीक है देखो हमने नॉर्मली कहीं भी देखा होगा तो हम वहाँ पे लिखते हैं x प्लस वन इस तरीके की कोई आपको फंक्शन दिया होता है जहाँ पे आप देख सकते हो इसकी x की मैक्सिमम पावर क्या है वन तो जहाँ x एक्स की मैक्सिमम पावर यानी कि डिग्री वन होती है तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल मान लो कहीं पर भी कोई भी कॉन्स्टेंट फंक्शन दे रखा है ठीक है मान लो टू है यहाँ एक्स नहीं है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं एक्स की पावर ज़ीरो लिख सकते हैं उसका मतलब क्या होता है वन है ठीक है तो एक्स की मैक्सिमम पावर दैट उसका कौन सी जीरो पॉलिनामिल है ये यह यहां पर एक्स के पावर वन लीनियर पोलिन एक्स स्क्वार प्लस टू एक्स प्लस फाइव इस तरीके के पोलिन को हम क्या बोल देते हैं क्वाड्रेटिक जहां एक्स की मैक्सिमम पावर थ्री हो जाती है उस टाइप की हम क्या बोल देते हैं क्यूबिक पोलिन ऐसे ही आगे चलते चलते को हम क्या बोल देते हैं पोलिनॉमिल बोल देते हैं ठीक है तो ये हो गया जीरो लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक एंड ऑल सब चलते रहते चलते रहते हैं ठीक है तो अगर इन सब को मुझे जर्नलाइज फॉर्म में लिखना होता है तो मैं कैसे लिखती हूँ तो हम इसको जर्नलाइज फॉर्म में पोलिन फंक्शन को इस तरीके से लिखते हैं ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन सो ऑन अप टू ए एन एक्स है यहाँ बस हम एक कंडीशन लगा देते हैं कि जहां एन जो है ना वो बिलोंग करता है आपके नेचुरल नंबर को और ए एन जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है और जीरो के इक्वल नहीं है ठीक अब देखो इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो एन है वो आपका नेचुरल नंबर है ठीक अगर एन आपका नेचुरल नंबर है मतलब कि वो वन टू थ्री से स्टार्ट हो रहा है राइट right? और ए एन आपका जीरो नहीं है ए एन अगर आपका जीरो हो गया तो क्या होगा ए एन अगर आपका जीरो हो गया यानी कि एक्स का मैक्सिमम पावर वाला जो है वो ए एन जीरो हो गया मान लो मैं कहती हूँ कि मेरे पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है ठीक है मान लो फोर एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस टेन कुछ इस तरीके की मेरे पास क्यूबिक पॉलिनॉमियल है मैं कहती हूँ मेरे पास एन जो है ना वो क्या है थ्री है ठीक है तो ये क्या हो गया? एन हुआ ना ये ए एन हुआ तो ये ए एन मेरा जीरो नहीं हो सकता अगर ये जीरो हो गया ये जीरो हो गया तो जीरो मल्टीप्लाई बाय दिस ये तो जीरो ही हो गया तो वो क्यूबिक तो रहा ही नहीं ये पोर्शन तो खत्म हो गया वो तो क्वाड्रेटिक बन गया ना तो वो मेरी पॉलिनोमियल वो नहीं रही इसलिए हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि जो भी आपने पोलिनॉमल उठाई है उसका जो कॉफिशेंट होगा वो जीरो नहीं होगा अगर वो जीरो हो गया तो आपकी क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी वो लीनियर हो जाएगी लीनियर वाली लीनियर नहीं रहेगी वो जीरो यानी कि वो फंक्शन आपका गलत वाला हो जाएगा रिड्यूज़ हो जाएगा जो है उसको आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे ठीक है और रही बात n इक्वल्स एन बिलोंग्स टू एन यहाँ होल नंबर क्यों नहीं आया ज़ीरो भी तो हो सकता था ना है ना ज़ीरो भी तो हो ही सकता था यहाँ पे क्योंकि ये भी एक हमारे क्या है पॉलिनोमियल है वो भी हो सकता है बिल्कुल ठीक है लेकिन हम यहाँ पे लिख रहे हैं फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स तो एक्स तो रखने के लिए हम लिख रहे हैं इसलिए हमने नेचुरल नंबर से इसको बिलोंग करवाया है कि वो ज़ीरो नहीं हम मान रहे है। ठीक है एन को हम ज़ीरो नहीं मान रहे हैं क्यों क्योंकि हम फंक्शन लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स तो एक्स तो रहे एटलीस्ट उसके बीच में ओके तो अब ये तो हमारे पास फंक्शन आ गया अब हम कैसे काम करते हैं वही नॉर्मल स्टार्ट करेंगे कैसे लेट सी बी एनी रियल नंबर ठीक है तो सी पुट करो पी ऑफ सी तो जहां एन है वहां पर हमारे जहां एक्स है वहां पे हम सी पुट कर देंगे कर दो ए नॉट ए वन सी ए टू सी स्क्वायर एंड सो ऑन ए एन सी एन ठीक है अब हम लिमिट लगाते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी P ऑफ c अब यहाँ पर भी हम वही करेंगे तो वो भी सेम आएगा A2, C2, and so on. a टू c टू एंड सो ऑन a एंड c एन तो दोनों सेम आई है तो P की C में सेम आई है लिमिट भी हमारी सेम आई है तो यहाँ से हम बहुत अच्छी एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि कोई भी परिनॉर्मल फंक्शन होता है वो आपका कंटिन्यूस होते हैं रियल रियल नंबर पे ठीक है तो हम लिखेंगे फंक्शन P इज continuous फॉर एवरी रियल नंबर दस पी इज अंटिन्यूस फंक्शन तो आगे भी आपका एक्सरसाइज में भी एग्जाम्पल्स में भी कहीं भी यूज होगा कोई भी पॉलिनार्मल फंक्शन दिया होगा वो आपका क्या continuous होगा कॉन्टिन्यूस होगा क्लियर है ये बात ठीक है चाहे आपको मान लो टू एक्स से रखा है इट इज कंटिन्यूस लीनियर में आ रहा है फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस नाइन कुछ इस तरीके से दे रखा है कोई भी आपको इस तरीके का फंक्शन दिया होगा वो आपका कंटिन्यूस होगा ओके okay? तो ये था आपका एग्जाम्पल फोर्टीन चलिए करते हैं एग्जाम्पल 15 तो अब करते हैं एग्जाम्पल 15 फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज कॉल्ड इंटीजर एक्स वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डिनोट्स था मतलब कि ये जो ब्रैकेट है ये क्या डिनोट करती है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स अब सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या मतलब होता है एक बार वो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं मैं रिवाइज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मोस्टली हमने कहीं ना कहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पड़ा हुआ है क्या होता है एक बार समझ लीजिए मान लो ये एक नंबर लाइन है ठीक है मान लो दिस इज जीरो दिस इज वन दिस इज टू दिस इज माइनस वन एंड दिस इज माइनस टू ठीक है तो अगर मैं इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करती हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बात करती हूँ अगर मैं बात करूं वन की ठीक है तो वन किस किस का ग्रेटेस्ट इंटीजर है ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू तो एक्स मतलब कि <coughs> कम वाला इंटीजर लेकिन बड़ा इंटीजर जैसे कि सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि इंटीजर होना चाहिए ठीक है अगर मैं कोई भी वैल्यू पुट करती हूँ जैसे कि 1.1 से लेकर 1.1 पॉइंट वन टू वन कोई भी मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ ठीक है इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा वन होगा क्यों क्योंकि ये क्या होता है यानी कि कोई भी यहाँ पे वैल्यू मान लो 1.8 है यहाँ पे 1.2 है इनमें से हमें सबसे पहले देखना होता है लेस वाला इनसे कम इनसे कम जो है वो इंटीजर कौन कौन से, से हैं वन भी है जीरो माइनस वन टू ये सब है ठीक है लेकिन इनसे छोटा बट बाकी इंटीज़र से बड़ा तो इनकी पास में सबसे पास कौन सा है वन है वैसे हम क्या ध्यान लेते हैं कि हमेशा लेफ्ट में जाओ गो टू लेफ्ट ठीक है ये एक ट्रिक होती है कि गो टू लेफ्ट नंबर लाइन पे गो टू लेफ्ट और लेफ्ट में जाते ही पहला जो इंटीजर आता है दैट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ठीक है ये हो गया समझ में आया अब अगर मैं माइनस में अगर हम बात करते हैं जैसे कि अगर मैं मानती हूँ माइनस वन पॉइंट वन ठीक है तो माइनस वन पॉइंट वन कहाँ आएगा यहाँ पे आएगा माइनस वन पॉइंट वन तो इसके लिए भी इसके लिए तो क्या हो गया सारे के लिए वन हो जाएगा है ना लेकिन इसके लिए क्या होगा माइनस का टू क्योंकि हमें कहाँ जाना है हमें देखना है इससे छोटा इससे छोटा बट बाकियों से बड़ा तो ये क्या होगा माइनस टू अगेन वही ट्रिक आ गई लेफ्ट वाली ठीक है तो लेफ्ट में जाना है लेफ्ट में जो इंटीजर पड़ा हुआ है दैट इज़ द ग्रेटेस्ट इंटीजर क्लियर है ये बात क्लियर होगी ये बात तो अब इसी चीज़ को हमने कैसे यहाँ पे बताना है कि हमने इसके डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स फाइंड करने हैं तो इस एग्ज़ाम्पल को हम करेंगे दो केसेस में ठीक है पहला जैसे कि हमें बताना है ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटीन्यूटी तो सारे के सारे पॉइंट्स बताने हैं हमें डिसकंटिन्यूटी के अभी तक हम क्या करते आ रहे थे हम मैथ्स के नंबर मैथ्स के नंबर यानी कि सारे रियल नंबर्स की बात करते आ रहे थे ठीक है लेकिन अब यहाँ पे क्या आ गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया है. तो हम यहाँ पे दो केस लेंगे एक केस लेंगे कि जब सी हमारा इंटीजर होगा ठीक है एक हम केस लेंगे कि सी हमारा रियल नंबर होगा बट इंटीजर नहीं होगा रियल नंबर में फ्रैक्शन भी आती है नेगेटिव भी आती है, है ना बस इंटीजर नहीं होगा तो ये दो केसेस पे हम चेक कर लेंगे डिसकंटिन्यूटी क्लियर तो केस वन हम पहले कंसीडर करते हैं केस वन इसको ध्यान से देखेंगे ये थोड़ा सा अलग है एंड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बाकी क्वेश्चन से ठीक है तो केस वन अस कंसीडर लेट सी बी एनी इन ठीक है सी कोई भी एक इंटीचर है तो फिर तो फिर क्या होगा एफ ऑफ एक्स क्या है एफ ऑफ एक्स हो जाएगा ये वाला ठीक है कहने को तो इसके पास एक ही फंक्शन है और हम जब तक हम एक ही फंक्शन कंसीडर कर रहे थे तो हम लेफ्ट लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं कंसीडर कर रहे थे लेकिन यहाँ हमें पता है कि हमारे पास ये ऑप्शन आ रहे हैं लेफ्ट में जाने का लेफ्ट में जाने का तो कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए तो वहां पर हमें कंसीडर करना पड़ता है ठीक है तो देखो सबसे पहले कि अगर मैं इसको इंटीजर कंसीडर करती हूँ ठीक है कि सी कोई भी एक हमारा इंटीजर है तो पहले तो मैं नॉर्मली सी पुट करूंगी ठीक है एफ ऑफ सी पुट करेंगे तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा सी ठीक और इसको बाहर निकालेंगे तो वो सी ही रहेगा मतलब कि अगर मैं बोलती हूँ कि वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ अगर आप वन पुट करेंगे तो आपको वन ही मिलेगा ना क्योंकि वन खुद में एक इंटीजर है तो ये सब तो इंटीजर्स नहीं है राइट right? तो अगर मैं वन पुट करती हूँ तो वन मुझे एज अ इंटीजर ही मिलेगा क्लियर होगी बात ठीक है अब मैं लगाती हूँ लिमिट की बात करती हूँ लिमिट की बात करते हैं अब हम लेफ्ट एंड लिमिट में देखो क्या होगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट सी नेगेटिव और यहाँ पे क्या है एक्स है ठीक है तो अब यहां पर देखना लेट सी सी आप कंसीडर कर लो आ, मैं दोबारा से नंबर लाइन ड्रॉ कर लेती हूं जैसे कि मान लो ये जीरो है ये वन है ये टू है ठीक है लेट यहाँ पर सी कर लो टू है ये लेट यहाँ पे सी कंसीडर कर लो टू है तो टू की मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लगा रही हूँ ठीक है तो टू की लेफ्ट में क्या है ये है ठीक है टू के लेफ्ट में क्या है ये है तो मैं क्या इसको कैसे लिखूंगी मैं यहां पर क्या हो सकता है two, ये भी भी हो सकता है, भी हो सकता सकता है है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो वन बनेगा है ना इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा वन बनेगा तो अब क्या होगा तो मैं यहां पर सी तो पुट नहीं कर सकती है ना डायरेक्ट सी पुट करके सी थोड़ी आएगा टू थोड़ी आएगा क्योंकि टू नेगेटिव है टू नेगेटिव का मतलब ना लेफ्ट से कुछ उठाया अब लेफ्ट से कुछ उठाया तो वो क्या होगा उसमें से कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा तो ये अगर सी है दिस इज सी तो टू में से मेरे को वन क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा है ना तभी तो मेरे पास वन आएगा क्लियर है ये बात तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखूंगी देखो यहां मैं लिखूंगी सी माइनस ए ठीक है c माइनस ए वेयर मैं यहां पे मेंशन कर देती हूं कि a जो है वो ग्रेटर देन जीरो वो जीरो नहीं है क्लियर होगी बात क्योंकि हमने इससे भी क्या कंसीडर करें एक माइनस ही तो कर रहे हैं क्लियर है ये बात c इसको हम क्या कर रहे हैं इससे माइनस कर रहे हैं ग्रेटर देन जीरो आप और सिमिलरली सिमिलरली अगर मैं राइट एंड लिमिट पुट करती हूँ राइट एंड लिमिट पुट करती हूँ तो राइट right एंड में क्या होगा लिमिट x अप्रोचेस c सी f of x एक्स इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस c सी पॉजिटिव अब इसके अंदर x आपको पुट करना है c पुट करना है तो अब ये देखो अब क्या होगा c पॉजिटिव यानी कि आप राइट हैंड साइड से कुछ पुट कर रहे हो यानी कि आप 2.4 पुट कर सकते हो 2.5 पुट कर सकते हो उन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा टू यानी कि सी ही आएगा तो अब यहाँ पे जब आप सी पुट करोगे तो यहाँ पर c ही आने वाला है आपको आई गेस समझ में आ गया होगा इसका और इसका मतलब अगर आप लेफ्ट से उठाते हो लेफ्ट से उठाते हो सी के तो वो एक पीछे जाएगा ठीक है तो आप यहाँ पर सी माइनस वन भी कर सकते हो लेकिन हम क्या कर रहे हैं वन हम पीछे ले रहे हैं ना हम तो हम सी माइनस वन भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर ओके लेकिन जरूरी नहीं है कि कुछ भी हो सकता तो इसलिए हमने जर्नलाइज फॉर्म में लिखा है इसको वैसे तो एक कम ही हो रहा है सी माइनस वन ही हो रहा है तो लेकिन हमने जर्नलाइज फॉर्म में लिख दिया आप सी माइनस वन भी लिखोगे तो भी गलत नहीं है ठीक है अगर आप राइट हैंड साइड से लेते हो राइट हैंड साइड से लेते हो तो भी तो आप लेफ्ट में ही जाओगे ना ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए वो भी क्या है सी है तो सी आपने लिख दिया तो आपने यहाँ पे नोटिस करा कि ये जो लिमिट्स हैं वो इक्वल नहीं है है ना तो आप लिखेंगे कि सिंस द लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ठीक है तो जो फंक्शन है तो फंक्शन इज नॉट कॉन्टीन्यूअस फॉर एवरी इंटीग्रल पॉइंट इंटीग्रल पॉइंट क्यों बोल रहे हैं क्योंकि हमने इंटीजर माना था अभी तक ठीक है सो यू कैन राइट द फंक्शन इज नॉट कॉन्टीन्यूअस या फिर इज कंटिन्यूस एट एवरी इंटीग्रल पॉइंट इज डिसकिन्यूअस एट एवरी इंटीग्रल पॉइंट ठीक है कि कहीं भी इंटीजियर आएगा तो इंटीजियर पे वो फंक्शन क्या हो जाएगा डिस्कंटीन्यूस हो जाएगा बिकॉज ये सेम सेम नहीं आ रहे हैं तो हमने इंटीजियर के लिए तो हमने पॉइंट ऑफ डिस्कंटीन्यूटी निकाली अब हम रियल नंबर्स की भी बात कर लेते हैं ठीक है तो केस टू कंसीडर करते हैं केस टू लेट सी बी और रियल नंबर बट नॉट इंटीचर ठीक है किसी कोई भी रियल नंबर है बट इंटीचर नहीं यानी कि वन बाई टू हो सकता है कुछ भी हो सकता है या फिर इस नंबर लाइन पर भी आप जितने भी पॉइंट्स देखोगे ठीक है वो सब रियल नंबर होंगे एक्सेप्ट वन टू थ्री जीरो माइनस वन माइनस टू इन सबको छोड़कर बाकी से कुछ भी हो सकता है ठीक है तो चलो आप इसको फाइंड करते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे तो सबसे पहली बात तो हम इसके अंदर बस वैल्यू पुट कर देंगे ठीक है बस हम इसके अंदर पहले वैल्यू पुट करेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया तो उसके लिए भी हमारे पास फंक्शन तो यही है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीजियर एक्स यही है ठीक है तो सबसे पहले तो हम सिंपल सी पुट करेंगे यहाँ पर ठीक है तो f ऑफ c और ये हो जाएगा इसका c अब c का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ क्या निकल के आएगा अब इसको ध्यान से देखना फिर से हम नंबर लाइन की बात करते हैं ठीक है मान लो ये ज़ीरो है वन है टू है थ्री है अब देखो मान लो यहाँ से लेकर ये है ये सब चीज़ें हैं तो मान लो ये है टू पॉइंट सेवन है ठीक है तो मैंने लेट सी कर लिया टू पॉइंट सेवन क्योंकि c कोई भी रियल नंबर हो सकता है बट इंटीजर नहीं हो सकता तो अगर मैं 2.7 का इंटीजर निकालती हूँ तो उसके लिए मुझे कहाँ जाना है लेफ्ट में जाना है है ना लेफ्ट में जाना तो लेफ्ट में क्या आ रहा है टू आ रहा है ठीक है दिस इज इक्वल टू टू राइट तो मुझे क्या करना पड़ेगा मैं इसको क्या लिखूंगी मैं लिखूंगी सी माइनस ए यानी कि 2.7 में से मैंने क्या माइनस किया 0.7 माइनस किया तभी मुझे 2 मिला है ना और टू तो एक इंटीजर है तो ये हो गया सी माइनस ए वेर ए इज़ वेयर ए इज ग्रेटर देन ज़ीरो तो वो ज़ीरो नहीं है ज़ीरो से ग्रेटर है समझ आई ये बात ठीक है कि देखो अगर मैं सी टू पॉइंट सेवन कंसिडर करती हूँ उसको इन ब्रैकेट में लिखती हूँ तो उसका इंटीजर आता है टू टू कैसे आया इस सी में से कुछ माइनस किया इस सी में से मैंने कुछ माइनस किया तो सी में से मैंने कुछ माइनस किया तो इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में हमने लिख दिया ठीक है अब हम यहाँ पर लिमिट्स लगाते हैं ठीक है तो यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लगाऊँगी तो मुझे क्या मिलेगा लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम करेंगे लिमिट एक्स अप्रोच टू सी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव एंड यह आ जाएगा ठीक है सी नेगेटिव का मतलब क्या है सी नेगेटिव तो सी नेगेटिव का मतलब जो भी हमने यहाँ पे कंसीडर किया था यानी कि 2.7 पॉइंट सेवन किया था यानी कि इसके भी मैं लेफ्ट से ही कुछ ना कुछ उठा रही हूँ है ना तो मान लो यहाँ पे मैंने 2.2 उठा लिया तो अगर मैं 2.2 पॉइंट टू पुट करती हूँ इसके अंदर से ठीक है 2.2 पॉइंट टू पुट करती हूँ तो भी मुझे क्या मिलेगा टू ही तो मिलेगा ना और वो टू कैसे आ रहा है टू पॉइंट में से माइनस करके आ रहा है ना कुछ 0.2 करके आ रहा है माइनस करके आ रहा है कुछ मिल तो मुझे वही रहा है दैट इज दिस नंबर मिल रहा है मुझे तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी c माइनस ए ठीक है सिमिलरली राइट हैंड लिमिट के लिए देखो राइट right हैंड के लिए क्या होगा लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव इंटीजर x अब देखो c पॉजिटिव का मतलब क्या कि सी हमने 2.7 पॉइंट किया था अब हम इसके यहाँ से उठाएंगे अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम हम थ्री भी तो उठा सकते हैं नहीं उठा सकते क्यों क्योंकि सी हमने क्या कंसीडर किया रियल नंबर नॉट इंटीजर ठीक है तो अगर मैं यहाँ से ये उठाती हूँ ठीक है यहाँ से मैंने उठा लिया इस बार टू पॉइंट एट उठा लिया क्योंकि मुझे सी से बिल्कुल राइट से कुछ उठाना है तो अगर टू पॉइंट एट का भी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर टू ही आ रहा है है ना तो टू पॉइंट सेवन का भी टू आया जो मैंने सी पुट करा सी के लेफ्ट से उठाया तो भी टू आ रहा है सी के राइट से उठा रही हूँ तो भी टू आ रहा है और टू को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर सी माइनस ए करके कर रहे हैं ठीक है तो इसीलिए ये सिर्फ एक जर्नलाइज फॉर्म है कहने की मतलब क्या है आपका ये है इसको साथ में समझते रहेंगे कि आपने जब सी पुट किया तो भी टू आया सी के लेफ्ट से कुछ उठाया तो भी टू आया सी के राइट right से कुछ उठाया तो भी आपका टू आया और टू को हमने जर्नलाइज फॉर्म में इस फॉर्म में लिखा है तो तीनों ही बिल्कुल सेम आ रही है तो वी कैन राइट कि फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ऑल रियल नंबर्स ठीक है जो इक्वल नहीं है किसके नॉट इंटीजर्स के जो इंटीजर्स के इक्वल नहीं है बट बाकी सब नंबर्स के क्या है वो कंटिन्यूस uh, है ऑल रियल नंबर्स पे सिर्फ इंटीजर्स पे कंटिन्यूस नहीं है तो ये था थोड़ा सा डिफरेंट था बाकी एग्जाम्पल से तो ये था एग्जाम्पल फिफ्टीन चलिए करते हैं एग्जाम्पल सिक्सटीन तो एग्जाम्पल सिक्सटीन क्या कह रहा है प्रूव दैट एवरी रेशनल नंबर इज कंटिन्यूस तो रेशनल नंबर क्या होते हैं जो किस में होते हैं फ्रैक्शन में होते हैं रेशनल रेशनल नंबर कैसे लिखते हैं हम p बाय क्यू के फॉर्म में लिखते हैं जैसे टू बाय थ्री हो गया या थ्री बाई टू हो गया कुछ भी हो गया ठीक है अब रेशनल फंक्शन कैसे लिखेंगे फंक्शन क्या होगा रेशनल फंक्शन क्या होगा पी ऑफ एक्स डिवाइड में एक्स के फॉर्म में होगा कुछ ना कुछ फंक्शन राइट right? तो हमें पता है ये भी एक, है।, ये भी एक है और नहीं तो वो रैशनल फंक्शन ही नहीं बनेगा यहाँ हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं काम अभी समझने का काम कर रहे हैं ठीक है तो रैशनल नंबर ऐसे होते हैं फंक्शन के लिए इस तरीके से आ जाएगा मान लो टू एक्स प्लस थ्री है फोर एक्स प्लस नाइन है इस तरीके का कुछ आ जाएगा या स्क्वायर में आ जाएगा कुछ भी आ जाएगा मतलब कहने का कि ये भी क्या है हैं और को हमने अभी अभी बताया था कौन से एग्जाम्पल में किया है हमने पॉलिनोम हमने अभी फोर्टीन एग्जाम्पल में बताया था कि जो पॉलिनोम होते हैं वो क्या होते हैं कंटिन्यूस फंक्शंस होते हैं एट एनी रियल नंबर यही हमने प्रूव किया था तो देखो अगर ये आपका जो है कंटिन्यूस है ये कंटिन्यूस है देन हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि द डिवीजन ऑफ टू कंटिन्यूस नंबर्स टू कंटिन्यूअस फंक्शंस इज ऑल्सो अ कंटिन्यूस फंक्शन अब यहाँ से आपके पास एक अल्जैब्रा आता है तो पहले हम वो डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम आएंगे एग्जाम्पल सिक्सटीन पर तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट सा आता है अल्जैब्रा ऑफ Continuous functions. तो एल्जेब्रा क्या है continuous फंक्शंस का इसको ध्यान से समझेंगे बहुत इजी है बहुत सिंपल है ठीक है मान लो कोई भी फंक्शन है आपका एफ इज एनी फंक्शन एंड जी इज एनी फंक्शन दो फंक्शंस का हमने नाम ले लिया ठीक है दो फंक्शंस हैं जो continuous हैं किसी भी रियल नंबर सी पर ठीक है आर टू फंक्शंस विच आर कॉन्टिन्यूस विच आर कॉन्टिन्यूस एट रियल नंबर सी किसी रियल नंबर सी पर कंटिन्यूस दोनों फंक्शन जो हैं वो कंटिन्यूअस हैं देन सबसे पहला इन दोनों का जो एडिशन होगा वो भी कंटिन्यूस होगा ठीक है नंबर टू इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो भी कॉन्टिन्यूस होगा ठीक है किस पे एट एक्स इज इक्वल टू सी पे एट एक्स इज इक्वल टू सी पे ठीक है इस नंबर पे सी क्या है रियल नंबर है सिमिलरली अगर हम बात करें इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा ठीक है वो भी कंटीन्यूअस होगा एट एक्स इज इक्वल टू सी पर सिमिलरली इन लोगों का इन दोनों का जो डिवीजन होगा वो भी कंटीन्यूअस होगा एट एक्स इज इक्वल टू सी पर ठीक है यहाँ से एक एडिशनल एक चीज और आती है कि मान लो इन दोनों में से कि कोई एक फंक्शन जो है वो कॉन्स्टेंट है ठीक है लेट एफ इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन कॉन्स्टेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है जैसे कि कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर है ठीक है मैं यहाँ पे अल्फा से बता देती हूँ कॉन्स्टेंट नंबर यानी कि टू है फाइव है सिक्स है तो क्या होगा तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पर अल्फ़ा इंटू जी ये भी क्या होगा ये कंटिन्यूज होगा क्योंकि कॉन्स्टेंट ही तो आए इसमें तो और कुछ फालतू तो वाले कुछ एडिशन है ही नहीं है ना तो अल्फ़ा इंटू जी जो होगा वो भी कंटिन्यूस होगा सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आपका एफ जो है आपका कॉन्स्टेंट फंक्शन आ जाता है ठीक है और यहाँ पे ऑब्वियसली जब कभी भी ऐसे फ्रैक्शन में आता है तो हम यहाँ पे बताते हैं कि ये जो फंक्शन होगा जो डिनोमिनेटर में है वो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता जैसे जीरो के इक्वल होगा ये फंक्शन तो डिफाइंड ही नहीं होगा ना तो यहाँ पर अंडरस्टूड होना चाहिए कि कभी भी रैशनल वाली फॉर्म्स में डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं होगा ये डिफाइंड होगा आपका ओके okay. उसके बाद फंक्शन जो है मान लो यहाँ पर भी ये फंक्शन है f to, ही है तो लैमडा बाई जी भी क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा अगर ये फंक्शन आता है पॉलिनाम्स में तो वेल एंड गुड अगर ये आपका कांस्टेंट है कोई नंबर टेन है 10 हंड्रेड है, है तो भी आप इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लो इस वाले फंक्शन से या डिवीजन करा लो इस फंक्शन के साथ वो भी क्या होगी कंटिन्यूस ही होगी ठीक है अब यहां से ना एक एक्स्ट्रा एक आता है कंपोजिट फंक्शंस कंपोजिट फंक्शंस तो हमने देख लिया अल्जैब्राज प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लाई ठीक है दो फंक्शंस का अल्जैब्रा देख लिया अब हम इन्हीं दो फंक्शंस को एक्सप्लेन करते हुए एक्सप्लेन करेंगे कि कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं ठीक है कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं देखो कंपोजिट फंक्शंस का मतलब क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट बात तो इस एज नेम इंडिकेट्स कि ये जो फंक्शंस हैं कंपोजिट वाले वो क्या होते हैं आपस में एक दूसरे के कंबाइंड फॉर्म में होते हैं ठीक है कंबाइंड फॉर्म में होते हैं जैसे कि इसको हम एग्जाम्पल से लेते हैं फिर हम इसको जर्नलाइज फॉर्म में लिखेंगे जैसे कि मान लो साइन टू एक्स है ठीक है ये कोई एक फंक्शन है मान लो कोई भी एक फंक्शन आपको दे रखा है p ऑफ x लगा लेती हूँ ये कोई भी आपको एक फंक्शन दिया हुआ है अब ये फंक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस कौन सा एक तो साइन ट्रिग्नोमेट्री हो गया एक टू एक्स को अगर हम अलग से बात करें तो वो हो गया एक पोलिनोम तो अगर मैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स लेट कर लेती हूँ एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स ठीक है एंड लेट जीओ एक्स कोई फंक्शन हो गया वो हो गया मेरा पोलिनोम यानी कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका पी ऑफ एक्स आया है है ना तो अगर मैं कहती हूँ ये कंटिन्यूस है ठीक है ये कंटिन्यूस है तो ये दोनों भी ये भी कंटिन्यूअस है ये भी कंटिन्यूस है और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो भी कंटिन्यूस है जैसे कि मान लो अगर मैं एफ ऑफ जी निकालती हूँ एफ ऑफ जी का मतलब क्या एफ ऑफ जी ऑफ एक्स यानी कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स यानी कि एफ फंक्शन है क्या साइन एक्स और एक्स की जगह आपको आपको क्या पुट करना है जी ऑफ एक्स पुट करना है तो साइन ये हो गया जी ऑफ एक्स ठीक है तो यहाँ पे ऑफ एक्स क्या आ रहा है टू एक्स टू तो एक्स पुट कर दो यहाँ पे साइन टू एक्स ये आ गया यही तो यानी कि एफ ऑफ जी जो हो गया वो किसके इक्वल हो गया पी ऑफ एक्स के यानी कि ये भी कंटिन्यूस है? है और इसका ऑपोजिट भी अगर मैं लगाती हूँ मान लो मुझे ऑफ एफ निकालना है ऑफ एफ जी ऑफ एफ का मतलब क्या हुआ ऑफ एफ ऑफ एक्स ये मतलब हो गया यानी कि अब जी ऑफ क्या है जीओ ऑफ का मतलब है टू एक्स तो टू और एक्स की जगह क्या पुट करना है मुझे एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स अब एफ ऑफ एक्स है क्या साइन एक्स तो ये हो जाएगा टू साइन एक्स दिस इज ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ठीक है कि अगर मान लो कोई ये फंक्शन है ये कंटिन्यूस है ये कंटिन्यूस है उसका f ऑफ g निकालो वो भी कंटिन्यूस होगा g ऑफ f निकालो वो भी कंटिन्यूस होगा ये है इसका मतलब अब इसी चीज को अगर हम जर्नलाइज फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे कि मान लो कोई भी फंक्शन है आपके पास ठीक है मान लो कोई फंक्शन है जी इज कंटिन्यूअस एट कोई भी सी पे मान लेते हैं ठीक है एंड एफ इज़ कंटिन्यूअस एट जी ऑफ सी यानी कि ये जैसे यहाँ पे हमने बात करी ठीक है देन हम बोल सकते हैं ठीक है कि एफ ऑफ जी इज कंटिन्यूअस एट सी ठीक है और इसका ऑपोजिट भी पॉसिबल है जी ऑफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट सी ये है इसका मतलब तो इन्हें हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शंस एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ यानी कि दो फंक्शंस के कॉम्बिनेशन को हम कंपोजिट फंक्शंस कहते हैं ठीक है ये आपको और अच्छे से क्लियर होगा जो हम इसके एग्जाम्पल करेंगे तो स्टार्ट करते हैं विद नेक्स्ट एग्जाम्पल तो अब करते हैं एग्जाम्पल सिक्सटींथ ठीक है तो यहाँ पे हमने देख लिया है किस तरीके से अगर दो फंक्शंस डिवीजन में हैं ठीक है दोनों के दोनों कंटिन्यूस हैं और वो डिवाइड हो रहे हैं देन वो भी क्या है एक तरीके से कंटिन्यूस फंक्शन ही है ठीक है तो हम इस पहले फंक्शन को लिखेंगे कि रैशनल फंक्शन एफ इज गिवन बाय कैसे लिखते हैं हम ऐसे फंक्शन को एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स डिवाइड में जी ऑफ एक्स ठीक है वेयर दिस ऑफ क्स या क्यू लगा लो हमने क्यू लिया तो क्यों लगा लेते हैं ठीक है वेयर ऑफ वो के इक्वल नहीं है ठीक है अब हमें पता है कि पी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर पॉलिनोमियल फंक्शंस जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको पॉलिनॉमियल फंक्शंस हैं ठीक है एंड वी नो दैट पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस ठीक है आर कंटिन्यूअस uh, और किस पे होते हैं कंटिन्यूस हमने फोर्टींथ एग्जाम्पल में किया था कि कंटिन्यूस होते हैं ऑल रियल नंबर्स पे है ना इन्हीं की ही डोमेन होती है एट ऑल रियल Numbers. ठीक है सो so, हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे कि इस लेकिन यहाँ पर क्या है ये जो फंक्शन है इसका डोमेन क्या डोमेन का मतलब क्या होता है इनपुट ठीक है कि इसकी इनपुट क्या है इनपुट में हम क्या कर सकते हैं हम सब कुछ पुट कर सकते हैं सिर्फ जीरो पे नहीं कर सकते तो जीरो इन्होंने बोला कि जीरो को छोड़ दो ठीक है सो so, हम यहाँ पे मेंशन करेंगे सो द डोमेन ऑफ एफ सो द डोमेन ऑफ फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो एक्सेप्ट एक्सेप्ट पॉइंट एट विच उस पॉइंट पे जहाँ पर क्यू जो होगा वो जीरो होगा ठीक है हमें नहीं पता वो किस पॉइंट पे जीरो देखो अगर यहाँ पे फोर एक्स माइनस फोर होता ठीक है और मैं यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पुट कर देती तो क्या आता माइनस फोर प्लस फोर वो जीरो हो जाता तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पे क्या है ये फिर नॉट डिफाइंड है तो इसीलिए ये उसके डोमेन में माइनस वन नहीं आएगा और हम तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं जर्नलाइज फॉर्म कर रहे हैं ना यहाँ तो मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया आपको यहाँ हम जर्नलाइज फॉर्म कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि, कि इसके जो डोमेन है वो सब पे रियल नंबर्स हैं लेकिन सिर्फ एक पॉइंट पे नहीं है जिस पॉइंट पे आपका डिनोमिनेटर क्या बन जाता है जीरो बन जाता है ठीक है तो बस यही आपको लिखना है ये लिख दिया हमने फिर हम बस फाइनली लिख देंगे सो द फंक्शन इज कंटिन्यूस कंटिन्यूस एट ऑल द डोमेन्स ऑफ एफ ठीक है डोमेन्स ऑफ एफ जितने भी आप इसके पुट कर रहे हो उन सब पे कंटिन्यूस है ठीक है उन सब पे कंटिन्यूस है ये है इसका मतलब तो ये था आपका एग्जाम्पल सिक्सटीन जिसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है तो लिखने का मतलब पता होना चाहिए कि आप लिख क्या रहे हैं तो ये था एग्जाम्पल सिक्सटीन चलिए करते हैं एग्जाम्पल सेवनटीन्थ तो दिस इज एग्जाम्पल सेवनटीन्थ ये ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है क्यों इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको देखो दो तरीके से होता है ये क्वेश्चन सबसे पहले उन्होंने बोला डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द साइन फंक्शन तो बिल्कुल मैं स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट में चली जाऊँ तो उतना मुझे पता है कि साइन क्या होती है इस तरीके की वेव्स आती हैं है ना इस तरीके की वेव्स आते हैं और इसको बनाने के लिए हमें कहीं पैल नहीं उठाना पड़ता तो ये कंटिन्यूस होता है ये कंटिन्यूस होता है ये हमें पता है ठीक है और अगर मैं बिल्कुल इसको नॉर्मल कॉन्सेप्ट से करूँ जो हम स्टार्टिंग से अभी तक करते आए हैं कंटिन्यूटी के लिए क्या कैसे करते आ रहे हैं आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं मैं ये ऑप्शन टू के नाम पे रखूँगी इसको ठीक है ऑप्शन टू कि आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि मान लो आपने फंक्शन बना दिया साइन एक्स बना दिया आपने फंक्शन ठीक है फिर हम क्या हैं? C करते हैं पहले सी पुट करते हैं एफ ऑफ सी तो हम यहाँ पे लिखा है साइन सी और एक ही फंक्शन है तो हमें लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है तो हम क्या करेंगे हम सिंपल लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं लगाएंगे नॉर्मल लिमिट लगाएंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी साइन एक्स और ये कितना आ गया साइन सी आ गया ये दोनों बिल्कुल सेम हो गए एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स दोनों सेम आ गए सो द फंक्शन इज कंटिन्यूस ठीक है तो आप इस तरीके से इसको प्रूफ कर सकते हैं ओके तो ऐसे तो आप कोई भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे उसको आप प्रूफ कर सकते हैं और वैसे भी हमें पता है कि हाँ भाई ये ऐसे इसको उठाने की ज़रूरत नहीं है कंटिन्यूस है तो हमने सिंपल सिंपल कंटिन्यूस उसको प्रूफ कर दिया बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये एक्सेप्टेबल नहीं रहता क्योंकि थोड़े ज़्यादा मार्क्स में आ जाता है ठीक है और थोड़ा सा कॉन्सेपचुअल बन जाता है ठीक है क्योंकि अगर आप साइन में पूरे ट्रिग्नोमेट्री में एक ही फंक्शन अगर आप ढंग से कर लेते हैं ना कि इसको हमने कैसे प्रूव करना है जैसे एक तरीके से आप इसको थ्योरम मान लो ये तो हम क्वेश्चंस करते आ रहे हैं इसको एक तरीके से आप थ्योरम मान के करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा ठीक है देखो अब इसको करना कैसे है तो हम क्या करेंगे हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं फंक्शन वही मानेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स यही हमने इसको फंक्शन माना है ठीक है अब हम क्या करेंगे अपने इसको करना है फॉर एवरी रियल नंबर तो अगेन वही मानेंगे लेट्स सी बी जैसे यहाँ पे हम कंसीडर करते थे तो वही हम कंसीडर करेंगे लेट्स सी बी एनी रियल नंबर ठीक है तो अब हम आ, क्या करते थे पहले एफ ऑफ सी पुट करते थे ना हम यहाँ पर क्या करेंगे नॉर्मली पहले हम एफ ऑफ सी पुट करके ही इसको रख देते हैं लिमिट्स के बारे में बात करेंगे ठीक है इतना काम सेम हो गया अब हम लिमिट्स की बात करेंगे तो लिमिट्स के लिए हम क्या करने वाले हैं हम लिमिट्स के लिए हम लगाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट ठीक है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लगाते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव ठीक है एफ ऑफ एक्स अब देखो सी नेगेटिव का मतलब क्या है कि कोई भी हम यहाँ पे सी पुट करेंगे उससे थोड़ा सा छोटा सा कम नंबर है ना थोड़ा सा नंबर कम यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पुट कि पुट एक्स इज इक्वल टू सी माइनस एच वाई सी माइनस एच क्योंकि अगर सी नेगेटिव है मान लो कोई भी सी रियल नंबर है मान लो फोर है ठीक है फोर में से हमने थोड़ा सा कम किया यानी कि थ्री पॉइंट नाइन तो आपने क्या किया जीरो पॉइंट वन पुट करा है ठीक है तो फोर माइनस जीरो पॉइंट वन यानी कि एच जो है वो आपका इतना स्मॉल है वी नो दैट ये भी लिख देंगे हम वी नो दैट कि जो एच है अप्रोचेस टू ज़ीरो इतना छोटा है वो एच ये चीज़ लिखना इम्पॉर्टेंट है ये जरूर लिखेंगे ठीक है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी तक तो हमने डायरेक्ट ऐसी लिमिट पुट कर रहे थे और सॉल्व कर रहे थे तो बस हम साइन के लिए थोड़ा सा ऐसा करेंगे ताकि हमें आगे भी ईजी रहे कि अगर हम सी से थोड़ा सा कम नंबर पुट कर रहे हैं तो वो हमने नंबर बता दिया कि सी माइनस एच और जो h है वो इतना छोटा है कि वो जीरो को अप्रोच कर रहा है ठीक है तो यहाँ पे पुट करते हैं करो पुट लिमिट x अप्रोचेस टू सी नेगेटिव साइन c, sin c. ठीक ठीक है 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 सॉरी सॉरी था ना अभी तक एक्स. अब अब एक्स की जगह पे हमें क्या क्या पुट करना है? C -H. तो C -H. अब इसका क्या फॉर्मूला क्या होता है साइन ए साइन बी है ना साइन ए साइन ए सॉरी कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी ये होता है राइट और यहाँ पे एक और चीज़ है हमें पता है कि जो लिमिट है ना चलो ये तो लिमिट हमने पुट कर दी सी नेगेटिव वाली लेकिन एक और लिमिट भी तो रहती है कि एच जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है तो ये किस लिमिट के अंदर है ये लिमिट है एच अप्रोच टू जीरो वाली लिमिट के अंदर है तभी हमने ये पुट करा है तो यहाँ पे हम मैंशन कर देंगे कि कौन सी लिमिट में है लिमिट एच अप्रोच टू ज़ीरो वाली लिमिट में है ठीक है अब अगर मैं यहाँ पर ज़ीरो पुट करती हूँ तो कॉस ज़ीरो एक मिनट यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ h आएगा और यहाँ c आएगा ठीक है चलो अब देखो अब यहाँ अगर मैं पुट करती हूँ लिमिट्स पुट करती हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है कॉस ज़ीरो कितना होता है वन एच की जगह जीरो पुट करूँगी तो कॉस ज़ीरो होता है वन तो यानी कि यहाँ से मुझे मिला साइन सी माइनस कॉस एच एंड साइन जीरो कितना होता है साइन जीरो इज जीरो तो जीरो मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज जीरो तो हमें को क्या मिला सिर्फ साइन सी मिला कौन सी लिमिट लेफ्ट लिमिट ठीक है लेफ्ट हैंड लिमिट मुझे मिली सिर्फ साइन सी सिमिलरली मैं निकालूंगी राइट हैंड लिमिट के लिए ठीक है तो लगाओ राइट हैंड लिमिट तो अब निकालते हैं हम राइट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा लिमिट X to C हो जाएगा, X. अब हम क्या पुट करेंगे कि पुट एक्स इज इक्वल टू सी से थोड़ा सा बड़ा यानी किस इज इक्वल टू सी प्लस एच और एच जो होता है वो किसको अप्रोच कर रहा है जीरो को अप्रोच कर रहा है ये मैंशन करना जरूरी है ठीक है तो यहाँ पे लगा दो अब पहले तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू C पॉजिटिव और किस में पुट करना है साइन एक्स में पुट करना है तो जैसे हम इसके अंदर साइन एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे सी पॉजिटिव सी पॉजिटिव है सी प्लस एच तो सी प्लस एच पुट करेंगे और यहाँ पर हर लिमिट क्या लग जाएगी कि एच अप्रोचेस टू जीरो है अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या रहेगा साइन ए और बाहर लिमिट यही रखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एच अप्रोचेस टू जीरो साइन ए कॉस सी सॉरी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अब इसकी अगर हम वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं अगेन कॉस ज़ीरो इज वन तो यहाँ पे बचेगा साइन सी ये हो जाएगा ज़ीरो और ये भी हो जाएगा ज़ीरो तो लिमिट आपके पास सी पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स तो आप यहाँ पे नोटिस करो ये हो गया एफ ऑफ सी ठीक है ये हो गई लेफ्ट लिमिट और ये हो गई आपकी राइट हैंड लिमिट और तीनों का तीनों आंसर क्या आ रहा है बिल्कुल सेम आ रहा है तो या, यानी कि अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट 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 एनी रियल नंबर ठीक है क्यों क्योंकि सी हमने रियल नंबर माना था तो हर एक रियल नंबर पे जो फंक्शन है वो हमारा कंटिन्यूस तो इस तरीके से आपने साइन को थोड़ा सा इज्जत दे के ये एच इंट्रोड्यूस करा के अपने ये काम करना है ठीक है तो ये था आपका एग्जाम्पल सेवनटीन्थ चलिए करते हैं एग्जाम्पल एटीनथ तो एग्जाम्पल एटीन क्या कह रहा है प्रूव दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन तो अगेन टैन का जो ग्राफ बनता है ना वैसे तो कुछ ऐसा सा ग्राफ बनता है टेन का ऐसा सा ग्राफ बनता है अब आपको लग रहा होगा ये ऐसे जाके ऐसे तो सॉरी ऐसा ऐसा ग्राफ बनता है ठीक है तो अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसको बनाने के लिए तो हमें पेन उठाना पड़ रहा है तो ये तो कंटिन्यूस नहीं हुआ ठीक है बट ध्यान से देखना इस चीज को हम कंटिन्यूस तब बोलते हैं जब हमारी सारी इनपुट्स पे वो कंटिन्यूस हो अगर हमारे इनपुट पे ही रोक लग गई है जैसे कि देखो जैसे कि क्या ऐसे आपको समझ नहीं आएगा जैसे कि टेन एक्स है टेन एक्स को आप क्या लिख सकते हो साइन एक्स में कॉस एक्स तो यहाँ एक रोक लग गई है कि कॉस एक्स जो है ना वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए तो बस हम कॉसेज इज इक्वल टू जीरो उसकी वजह से यहाँ पे क्या है ये टूट टाइग्राफ अदरवाइज टूटने का मतलब कि, कि हमारे इनपुट में है ही नहीं हम इस पर चेक ही नहीं कर सकते ठीक है हम इस पर चेक नहीं कर सकते सो तो इसको छोड़ देंगे इस चीज़ को हम छोड़ देंगे और कॉस ज़ीरो वैसे होता कहाँ पे है कॉस ज़ीरो हमारा होता है नाइन्टी पे है ठीक है नाइन्टी पे टू सेवेंटी पे फोर फिफ्टी पे तो यानी कि सारे ऑर्ड्स पे हो गया फाइव बाई टू थ्री पाव बाय टू फाइव फाइव बाई टू तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि कॉस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू किसके नहीं होना चाहिए सॉरी एक्स एक्स किसके इक्वल नहीं होना चाहिए टू एन प्लस वन ऑर्ड फाइव बाई टू के ठीक है वेर एन जो है वो आपका क्या हो जाता है जीरो वन टू थ्री जीरो पुट करेंगे फाइव बाई टू टू वन पुट करेंगे थ्री फाइव बाय टू ठीक है तो सिर्फ इसको हम छोड़ देंगे ओके okay? क्लियर तो ऐसे ही थ्री बाय टू फाइव बाई टू ऐसे ही चलता रहेगा तो ये हमारी डोमेन में एंटर नहीं करता तो इस पे छोड़ के जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ रहे हैं ये आपके गैप आ रहे हैं अदरवाइज ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं कंटिन्यूस होते हैं ठीक है तो अब यहाँ पर देखो ये किसका फंक्शन बन गया ये कौन सा बन गया ये आ गया ना एक फंक्शन ये है ये एक फंक्शन ये है और दोनों के दोनों क्या हैं आपके डिविजन uh, में है तो डिवीजन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन अब जैसे कि साइनेक्स हमने अभी अभी सेवनटीन एग्जाम्पल में प्रूव किया है तो ये आपका होमवर्क है ये मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे हमने साइनेक्स का काम किया वैसे आप एक कॉस एक्स का भी फाइंड करेंगे तो कॉस एक्स के लिए भी ऐसे ही करेंगे तो उसमें भी सी ए प्लस एच पुट करेंगे तो उसके अंदर भी फॉर्मूला लगाएंगे तो वो भी आपका ऐसे कंटिन्यूस ही प्रूव होगा तो मैं इसकी सिर्फ लैंग्वेज यहाँ पर लिखूँगी मैं लिखूँगी कि एज साइनेक्स एंड कॉस एक्स आर

क्लियर होगी सो जो आपका टेन एक्स है वो क्या है आपका कंटिन्यूस फंक्शन है और जहां जहां ये डिफाइंड वेयर एवर इट इज डिफाइंड वेयर एवर इट इज डिफाइंड का मतलब ये डिफाइंड नहीं है वो x इज इक्वल टू इस पे डिफाइंड नहीं है तो ये आपके डोमेन में नहीं आता जितनी आपने इनपुट पुट करेंगे टेन एक्स के अंदर उन सब पे वो कंटिन्यूस होगा सो टेन एक्स इज कंटिन्यूस ठीक है वेर एवर इट इज डिफाइंड इट इज डिफाइंड जहां जहाँ वो डिफाइंड है या फिर इन इट्स डोमेन आप इसको डोमेन भी लिख सकते हैं ठीक है इन इट्स डोमेन अपनी डोमेन पर कंटिन्यूस है तो ये था आपका एग्जाम्पल एटीन चलिए करते हैं एग्जाम्पल नाइनटीन्थ तो एग्जाम्पल नाइनटीन्थ क्या कह रहा है कि शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन तो अब यहाँ पे ना एक आप काम कर सकते हैं क्या काम कर सकते हैं इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं पहला तरीका क्या है कि वही सिंपल सा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ये ऑप्शन टू अगेन ठीक है कि आप क्या कर सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर तो क्या करेंगे लेट सी बी यानी रियल नंबर सी लगाएंगे ठीक है फिर लिमिट वाला लगाएंगे तो लिमिट के अंदर भी सेम आ जाएगा तो वही काम करेंगे तो बिल्कुल वैसा ही काम आ जाएगा तो एफ ऑफ सी इक्वल हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी ठीक है एफ ऑफ एक्स के और वो आ जाएगा आपका साइंस सीज को जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं ठीक है बट जैसा आपके एनसीआरटी में दिया हुआ है हम उस तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अब क्या कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस ये एक कॉम्बिनेशन बन रहा है एक तो साइन का और एक एक्स कोर यानी कि एक पॉलिनोम है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ठीक है तो जब कभी भी इस तरीके से आपको कोई फंक्शन आता है तो उसे हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं ठीक है कि एक के अंदर दूसरा आपका कंबाइंड है तो उसे हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन कहते हैं कैसे देखो मान लो ये आपको एफोफेक्स दे रखा है ठीक है ये आपको एफ ओफेक्स फंक्शन दे रखा है तो हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं लेट ये तो एफ ऑफ एक्स डिफाइन कर दिया ठीक है तो मैं यहाँ पे मान लेती हूँ कि वो है साइन एक्स है।, है वो कोई X square है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मान लिया ये ना एफ ऑफ एक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू फंक्शन अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन है अब ये कॉम्बिनेशन कैसे निकालू मैं ठीक है यहां पर ये चीज समझने वाली है कि कॉम्बिनेशन कैसे निकालू ये कॉम्बिनेशन एच ऑफ जी निकलेगा या जी ऑफ एच निकलेगा यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं देखो इसका मतलब क्या है एच ऑफ जी का मतलब क्या है कि एच ऑफ जी ऑफ एक्स ये है इसका मतलब कि किसका कॉम्बिनेशन है देखो एच ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि H क्या है आपके पास साइन एक्स है ना तो ये हो गया साइन ऑफ जहां एक्स होगा वहां पे हम क्या पुट कर देंगे जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स क्या है आपके पास साइन स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर तो एक्चुअल में हमारा ये कॉम्बिनेशन है एच ऑफ जी ठीक है ये रफ में करके आप चेक कर सकते हैं क्योंकि वैसे तो देखने से जो प्रैक्टिस करते हैं उन्हें तो समझ में आ जाता है लेकिन कई बार क्या होता है मैं समझ में नहीं आता तो आप इसको रफ में करके देख लो सिमिलरली अगर आप इसको निकाल के देखते तो क्या बनेगा देखो जी ऑफ एच ऑफ एक्स यानी कि पहले आपने जी का फंक्शन लिखना है तो जी का फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर ठीक है एक्स स्क्वायर की जगह आपने पुट करना है क्या एच एक्स तो एच एक्स का स्क्वायर हो गया तो एच एक्स है क्या साइन तो ये हो गया साइन एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर तो हमें क्या चाहिए हमें तो ये वाला चाहिए ना यानी कि दिस इज नॉट द ऑप्शन हमें जी ऑफ एच नहीं निकालना हमें एच ऑफ जी निकालना है अगर आपने एच एक्स ये माना है जी एक्स ये माना है क्लियर है ये बात ठीक है तो इन टाइप के फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं कंपोजिट फंक्शंस कहते हैं तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे एच ऑफ जी तो वी विल राइट ऑफ ऑफ ठीक है नाउ एच ऑफ एच क्या है साइन एक्स तो साइन और एक्स की जगह पे क्या पुट करना है जी एक्स तो ये हो जाएगा जी एक्स का है अब जी एक्स क्या है एक्स स्क्वायर सॉरी नॉर्मल है यहां क्या है एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर तो एच ऑफ जी आपने निकाल लिया अब हम यहां पे इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे क्या लिखेंगे कि सिंस एच ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन क्यू क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ठीक क्यों? है एंड जीओ एक्स इज ऑल्सो ए कंटिन्यूअस फंक्शन क्यू क्योंकि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है ठीक है so, सो so, सो uh, हम यहां पर लिख सकते हैं सो so, सो uh, so, एच ऑफ जी इज ऑल्सो ए कंटिन्यूअस फंक्शन तो एच ऑफ जी भी क्या है वो आपका कंटिन्यूस फंक्शन है ऑल्सो अगर यहाँ पर जी ऑफ एच भी बोला जाता जो हमने यहाँ पर यह निकाला ये निकाला है अभी जी ऑफ एच यानी कि ये ये तो हमें हमसे हम पूछा नहीं ना बट ये भी क्या है एक कंटिन्यूस फंक्शन है क्योंकि अगर एच फंक्शन है कंटिन्यूअस जी फंक्शन है तो आप चाहे उसका एच ऑफ जी निकालो या जी ऑफ एच निकालो दोनों के दोनों क्या होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं ठीक है तो ये भी क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस होगा क्लियर होगी ये बात तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं तो ये था आपका एग्जाम्पल नाइनटीन चलिए करते एग्जाम्पल ट्वेंटी ट्वेंटी क्या कह रहा है शो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई दिस वेर एक्स इज अ रियल नंबर एंड इज अ कंटिन्यूस फंक्शन ठीक है तो आपको ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन को आपने एक्सप्लेन करा अगेन हमें यहाँ पे दिख रहा है दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन कौन कौन से कॉम्बिनेशन कौन सा कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे रहा है एक तो ये दिखाई दे रहा है है ना ये. और एक आपको ये मॉड वाला दिखाई दे रहा है है ना तो हम इसको ऐसे ही बताएंगे कि हमारे पास तो ये फंक्शन है दिस इज अ फंक्शन ठीक है अब इसको मैं वही अगेन एच ऑफ जी और जी ऑफ एच में मान लेती हूँ ठीक है मैं कंसीडर कर लेती हूँ कि एच ऑफ एक्स जो है वो मेरा फंक्शन है ये वाला वन माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स ठीक है और जी ऑफ एक्स जो है वो मैं मान लेती हूँ मॉड एक्स है यही दो फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं ना कि एक तो लीनियर दिखाई दे रहा है और एक ये दिखाई दे रहा है ओके तो ये मैंने दो फंक्शंस मान लिए अब मैं रफ में चेक करूंगी कि मुझे क्या फाइंड करना है एच ऑफ जी फाइंड करना है या जी ऑफ एच तो देखो अगर मैं एच ऑफ जी निकालती हूँ ठीक है तो क्या बनेगा एच ऑफ जी ऑफ एक्स बनेगा ठीक है चलो H है क्या H ये है ठीक है तो H ये है तो यहां पर जहां जहां x है वहां पे मुझे G of H पुट करना है तो वन माइनस जी mod प्लस ऑफ एक्स ये है और ऑफ एक्स है क्या mod एक्स तो वन माइनस मोड एक्स प्लस मोड़ मोड़ मोड एक्स ये तो नहीं बोला उन्होंने ऐसा तो नहीं है तो यानी कि ये निकालना नहीं है अब ऑफ एच निकाल के देखो ऑफ एच तो g ऑफ h ऑफ x ये बन गया ना इसका मतलब ठीक है अब देखो जरा अब ये है कि g g क्या है आपके पास मोड़ तो ये हो गया और x की जगह आपने पुट करना है h ऑफ x ठीक है अब मोड़ तो लग गया h ऑफ x की वैल्यू क्या है ये है तो यहाँ पे पुट कर दो वन माइनस एक्स प्लस मोड़ x ये निकालना था ना आपको तो यानी कि आपको ये निकालना है जी ऑफ एच ठीक है तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर फाइंड करेंगे जी ऑफ h वी कैन राइट जी ऑफ h ऑफ एक्स ठीक है अब निकाल दो मॉड h ऑफ एक्स नाउ मॉड और h ऑफ एक्स है क्या ये है तो वन माइनस एक्स प्लस मॉड दिस ठीक है अब हम यहां पे फिर से एक्सप्लेनेशन में वही लिखेंगे ये हो गया आपका किसेंस h ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन क्यों क्योंकि क्या है एक पॉलीनॉर्मियल है ठीक है एंड जी ऑफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन क्यों क्योंकि मॉडल फंक्शन है भी हमने प्रूव कर रखा कि है कि कंटिन्यूस है सो सो जी ऑफ एच इज ऑल्सो ए कंटिन्यूस फंक्शन फॉर एनी रियल नंबर तो इस तरीके से आपने इसको प्रूव कर दिया तो इन फंक्शंस को जी ओफ एच एच ऑफ एक्स इन सब को हम क्या बोलते हैं कंपोजिट फंक्शंस कहते हैं ठीक है तो ये था आपका एग्जाम्पल ट्वेंटी थैंक यू दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्लीट एक्सरसाइज फाइव थैंक यू